हेलो एवरी वन माई सेल्फ निशा वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ पिनाइकल क्लासेस हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल मैथ्स इस वाले बुक के अंदर बेसिकली हमें तीन चीजें देखने को मिलेंगी जिसके अंदर सबसे पहले हैं ऑल कॉन्सेप्ट मतलब जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक दे रखा है चैप्टर्स के अंदर क्वेश्चन के अंदर आने वाली हमें टर्म्स दे रखी हैं उसके फॉर्मुलाज दे रखे हैं उसके बाद हमें मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आफ्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वाली बुक का हम सोल्यूशन कर रहे हैं और चार जो चैप्टर्स हैं उनको हम कम्प्लीट कर चुके हैं आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रपोशन चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रपोशन हिंदी में बोलते हैं अनुपात व समानुपात इम्पोर्टेंट चैप्टर है अपने आप में इम्पोर्टेंट चैप्टर है इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि एक तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एक तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ से आएंगे क्वेश्चंस प्लस में क्या है ये एक ऐसा टॉपिक है रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी बाकी चैप्टर्स में भी हेल्प करता है मान लो कोई चैप्टर हम लोग कोई और किसी चैप्टर का हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं वहां पर रेशियो के फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है है ना मैंश्योरेशन में भी हमने रेशियो की कई जगह पर क्वेश्चन देखे हैं मतलब एक ऐसा टॉपिक है जो खुद तो आएगा ही मतलब खुद तो एग्जाम में आता ही है प्लस बाकी चैप्टर्स को भी सोल्व करने में हमारी हेल्प करता है इस वजह से चैप्टर जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक टर्म्स है उनको डिस्कस करेंगे बहुत कुछ नहीं सीखेंगे सिर्फ वही गिनी चुनी हम लोग छः से सात चीज़ें सीखेंगे जो हमारे काम की है हमारे काम की इन द सेंस जो हमारे पेपर में आएगी जो आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनमें काम आने वाली हमारी पांच से सात चीजें हैं पांच से सात इस चैप्टर के हमारे बेसिक की पॉइंट्स हैं उनको हम सीखेंगे इसके अलावा फालतू की जो चीजें हैं वो हम लोग नहीं देखेंगे उसके अलावा अगर कोई चीज छूट जाती है कहीं किसी क्वेश्चन में आती है तो हम लोग उसको वहां पर डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का सबसे पहले देखो टॉपिक का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेशियो होता क्या है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर रेशियो क्या होता है हम लोग मान लो तीन तीन बच्चे हैं हमने मान लिए तीन बच्चे हैं ए बी सी ए बी सी है ना ए को हमने दी है कोई पांच चीजें बी को दे दी हमने दस चीज और सी को दे दी हमने पंद्रह चीज इसी चीज को किसी को हम मान लो चॉकलेट बांट रहे हैं ए को पाँच मिली है बी को दस सी को दस पंद्रह मिली है हम ये ना बोलते हुए हम इसको रेशो में बोलेंगे रेशो में कैसे बोलेंगे हम इस वाली चीज़ को देखो अगर हम इसको काटे तो कितने पे जाएगा एक दो तीन इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ए को एक हिस्सा मिला है बी को दो और सी को तीन हिस्से मिले हैं यानी कि जो डाटा होता है उसी को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके जो भी हमारे पास में वैल्यूज दे रखी है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग बोलते है क्या इसको क्या बोलते हैं हम लोग रेशो में है ना सबसे पहली चीज रेशो के साथ जो भी हम चेंजमेंट करेंगे वो जितना भी डाटा दे रखा है सबके साथ होगा मान लो यहां पर मुझे जीरो पर जीरो चढ़ानी चढ़ानी है है पर मान लो तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि यहां पे जीरो लगा दिया और इनको ऐसे ही छोड़ दिया ऐसे कभी नहीं करेंगे रेशो के अंदर जितने भी टर्म्स दे रखे हैं दो दे रखे हैं तो दोनों के साथ सेम ऑपरेशन होगा तीन दे रखे हैं तो तीनों के साथ होगा अगर मान लो जीरो लगानी है तो सबके साथ जीरो लगेगी ना मान लो इसको पाँच पे काटा है तो सबको हमें पाँच से काटना पड़ेगा पाँच से भाग देना पड़ेगा मान लेते हमने यहाँ पे दो से गुना करानी है तो यहां भी दो से गुना होगी यहाँ पर भी दो से गुना होगी और यहां पर भी दो से गुना होगी सबसे बेस्ट चीज है रेशियो की कि हम अपने हिसाब से वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं चेंज इन द सेंस हम जैसे मल्टीप्लाई करा सकते हैं जीरो अपनी मर्जी से जोड़ सकते हैं इसके अलावा किसी से डिवाइड करा सकते हैं इस टाइप की तीन से चार चीजें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं क्वेश्चन में जो वैल्यू

ड्यूस कर लेते देखो सबसे पहली चीज क्या है अगर हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि ए रेशियो बी दे रखा है आपको दो रेशियो तीन एंड इसके अलावा क्या है बी रेशो सी हमें गिवन है कितना तीन रेशो इसको लिख लेते हैं हम लोग कितना दो रेशो पाँच दो रेशो पाँच अगर हमें क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दे रखा है तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे इनफैक्ट क्वेश्चन नहीं ये तो एक छोटा सा बेसिक है इस टाइप के फॉर्मेट से कैसे चेंज करना है कैसे कन्वर्ट करना है और पूछ रखा होगा क्वेश्चन में क्वेश्चन में पूछ रखा होगा हमसे फाइंड ए रेशो बी रेशो सी इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है ध्यान से देखना जो भी दे रखा है सबसे पहले तो तीन स्लॉट बनेंगे हमारे पास में ए बी सी के ए रेशो बी रेशो सी है ना ए बी कितना दे रखा है ए रेशो बी कितना है दो रेशो तीन हमने उतार दिया उसके बाद आएगा बी रेशो सी कितना है दो रेशो पांच इसको उतार लेंगे इसको इसके नीचे उतारना है ध्यान रखना उसके जस्ट नीचे उतारना है इधर उधर डिजिट डिजिट्स को मत कर देना आंसर गलत आएगा यहाँ पे क्या करना है जो भी जगह खाली है जो भी स्पेस खाली है वहाँ पे उसके पड़ोसी को बिठाना है यहाँ पे जगह खाली है किसको बिठाएंगे तीन को यहाँ जगह खाली है यहाँ किसको बिठाएंगे दो को आंसर कितना आता है देखो यहाँ पे दो दुनी चार यहाँ पे कितना आएगा तीन दुनी छः और पान्तीय पंद्रह ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में चार रेशो छः रेशो पंद्रह आंसर कितना आएगा हमारे पास में चार रेशो छः रेशो पंद्रह ये था सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करने हमें पड़ेंगे मतलब क्वेश्चन ने कुछ और पूछ रखा होगा उसका पहला स्टेप हमें इस टाइप से क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे बेसिक सबसे पहला स्टेप तो था हमारे पास में ये इसके अलावा हमारे पास में तीन टर्म्स आती हैं देखो इसके अलावा हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं क्या-क्या हैं वो टर्म्स सेकंड पे अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले टर्म आती है हमारे पास में मेन प्रोपोर्शन मेन प्रोपोर्शन है ना का मतलब क्या हुआ जहां भी हमें क्वेश्चन ने दे रखा होगा फाइंड द मीन प्रपोशन वहां कुछ भी नहीं करना सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है इसको अप्लाई करना है हमें क्वेश्चन में क्या पुट करना है अंडर द रूट ए बी अंडर द रूट ए बी दो वैल्यूज हमें दे रखी होंगी ए की और बी की ये छोटा सा फॉर्मूला है इसके अंदर बस वैल्यूज को पुट करना है दूसरी चीज क्या पूछी होती है इसमें से हमसे थर्ड प्रपोशन थर्ड प्रपोशन थर्ड प्रपोशन अगर हमसे ये पूछ रखा है क्वेश्चन ने तो इसके अंदर क्या करना है इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में बी स्क्वायर बाय में ए इसका फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर बाय में ए तीसरा पूछ रखा होता है हमसे फोर्थ प्रपोशन फोर्थ प्रपोशन अगर हमसे पूछ रखा है तो उसका फार्मूला क्या होगा फोर्थ प्रपोशन का फार्मूला हमारे पास में क्या होता है इसका फार्मूला है बी सी बाय में ए इसका फार्मूला क्या है बी सी बाई में ए ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं हमारे पास में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ तीन फार्मूलाज हैं इतने ईजी से क्वेश्चन इतने ईजी से फार्मूलाज दे रखे हैं इनको जस्ट हमें याद करना है क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज़ देनी है दे रखी होंगी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है तीनों दो फॉर्मूला यहां से हमें याद करने पड़ेंगे इनको हिंदी में देखो मेन प्रपोशन को तो बोलते हैं मध्यानुपाती अनुपाति यहां लिख देते हैं मध्य और इसको क्या बोलते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं तृतीय इसको क्या बोलते हैं तृतीय अनुपाति है ना तृतीय अनुपाति और चौथे वाले को क्या बोलते हैं चतुर्थ अनुपाति इसको क्या बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थ अनुपाति है ना इसको क्या बोलेंगे फोर्थ प्रपोशन ये तीन वैल्यूज हमें यहां से याद करने हैं तीन मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं इनको हमें यहां से याद करना है इनको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं यहां पे ऐसे ये थी हमने जो डिस्कस की है सेकंड चीज हमारे टॉपिक की वो इंपॉर्टेंट है यहां से याद कर लेना बिल्कुल रटने वाली चीज है रट लेना यही बोलेंगे तीसरी जो चीज आती है हमारे पास में थर्ड जो स्लाइड आएगी उसमें हम लोग देखो क्या बताते हैं यहां से इसके अलावा हमें क्वेश्चंस गिवन मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर हमें वैल्यूज गिवन मिलेंगी कैसे जैसे हमें क्वेश्चन ने दे दिया थर्ड है ना ये थर्ड में क्या है अगर क्वेश्चन ने हमें इस टाइप से दे रखा है जैसे मान लो थ्री ए बराबर है फाइव बी बराबर है किसके टू सी के अगर क्वेश्चन ऐसे दे रखा है और हमें निकालना क्या है फाइंड ए बी सी फाइंड ए बी सी पूछेगा नहीं ऐसे कि फाइंड ए बी सी लेकिन हम सीख रहे हैं क्यों सीख रहे हैं क्योंकि ए बी सी की वैल्यू निकाल के हमें क्वेश्चन को कुछ और करना होगा मतलब एडवांस लेवल का कुछ क्वेश्चन होगा इस टाइप का जब भी क्वेश्चन गिवन हो इस टाइप का क्वेश्चन गीवन होगा मतलब हमें जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे यहां से ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है ध्यान से देखना जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको छुपा लो जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसको लो बचे हुए दोनों की गुना कर दो पानुनी दस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं बी को छुपा लो बचा हुआ क्या है तीन दुनी वैल्यू निकाल रहे हैं सी को छुपा लो बचेगा कितना पानती है 15, A, B, C, तीनों की वैल्यू आती है हमारे पास में यहां से A, B, C, तीनों की वैल्यू आती है हमारे पास में यहां से चौथी चीज अगर हम डिस्कस करें फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग डिस्कस करें तो वो क्या है देखो फोर्थ क्या है हमारे पास में अगर क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में दे रखा हो ए बाई फाइव बराबर है किसके बी बटे तीन के बराबर है किसके सी बटे सात के अगर क्वेश्चन इस वाले फॉर्मेट में दे रखा है और यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो कैसे निकालेंगे इस वाले फॉर्मेट से ए बी सी की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे देखो कुछ भी नहीं करना जो इसके नीचे वैल्यू है वही उसका आंसर है जो जिसके नीचे वैल्यू है वही उसका आंसर है इसका मतलब क्या हुआ ए की वैल्यू है पाँच बी की वैल्यू है हमारे पास में तीन और सी की वैल्यू है सात ये छोटा सा बेसिक सा हमारे पास में इसके कुछ की पॉइंट्स थे बेसिक uh, नहीं बोलेंगे इसको हम लोग ना की पॉइंट्स बोलेंगे नोट्स बोल सकते हैं की पॉइंट्स बोल सकते हैं ये एक्चुअली हमारे पास में वो चीजें हैं जो चैप्टर में काम आएंगी बार बार रिपीट होंगी और हम मान लो इसको हम तरीके से निकालेंगे है ना मान लो इसको हम लोग तरीके से निकालने बैठे तो पता है कितना टाइम लगेगा देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ए बटे पाँच बराबर है बी बटे तीन के बराबर है सी बटे सात के कैसे सॉल्व करेंगे देखो ए को यहीं रखेंगे नीचे आएगा बी पांच जाएगा ऊपर और यहां से आएगा तीन इसके अलावा यहां से देखो बी यहां पे सी आएगा नीचे ये जाएगा ऊपर यहां से कितना आएगा सात इसका मतलब क्या हुआ ए रेशियो बी कितना दे रखा है पांच रेशो तीन और यहां से कितना है बी रेशो सी की वैल्यू कितनी है तीन रेशो सात इसको यहां से सॉल्व करेंगे देखो यहां से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट था उसमें देखो क्या है ए रेशो बी सी का हम स्लोट बनाएंगे ए की वैल्यू है पांच बी की वैल्यू है तीन बी की वैल्यू कितनी है तीन और सी की वैल्यू कितनी है सात है ना यहां से सॉल्व करने पर हमारे पास में आंसर कितना आएगा फाइव रेशो थ्री रेशो सेवन ए बी सी की वैल्यू कितनी आती है पांच तीन सात अगर हम लोग तरीके से जाएंगे बेसिक से जाएंगे तो इतना बड़ा प्रोसेस है और एक एक क्वेश्चन में इतना

कितनी होगी हमारे पास में यहाँ से टोटल आ, कितनी चार चीजें हो गई हैं पांचवें पे आते हैं देखो कितना आएगा इतना ही रखते हैं अभी के लिए हम लोग जो हमारे क्यू पॉइंट्स हैं इनको इतना ही रखते हैं चार से पांच क्यू पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं एक बार क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं और कुछ भी अगर नई चीज आएगी कोई नई चीज क्वेश्चन में आएगी तो हम लोग उसको वहीं पर डिस्कस कर लेंगे सबसे जो वो नहीं बोलते हैं कि आ, मोटा मोटा चैप्टर क्या है वो ये है हमारे पास में इन चार से पांच चीजों को रट लेना मोस्टली क्वेश्चन जो है हमारे सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं देखो सबसे पहले हम लोग करेंगे आज हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है इसने दिया है हमें यदि ये और रेशो ये और का घनानुपात है तो एक्स क्यूब ज्ञात करें घनानुपात होता है उनकी क्यूब है उनका जो रेशो है वो घन का रेशो है क्यूब का रेशियो हमें दे रखा है वैल्यू क्या आएंगी देखो दस एक्स प्लस का पांच दस एक्स प्लस का पांच बटे में क्या है रेशियो का मतलब बटे में है ना बयालीस एक्स और फिर क्या है प्लस का आठ बयालीस एक्स प्लस का आठ बराबर किसके दे रखा है पांच रेशो आठ के ये तो पता होगा ना रेशो में वैल्यूज हैं अगर मान लो हमें दे रखा है दो रेशो तीन तो इसका मतलब क्या हुआ दो के बटे में तीन रेशो ने दे रखा है मान लो आठ रेशो तीन इसका मतलब पहले वाली वैल्यू को ऊपर लिखना है दूसरे वाली वैल्यू को हमें नीचे लिखना है आई होप इतना तो पता होगा इसके बाद क्वेश्चंस को करते हैं यहां से कर लिया किसके बराबर है पांच रेशो आठ के लेकिन घनानुपात दे रखा है ट्रिपल आ, क्या है ट्रिप्लीकेट दे रखा है मतलब पांच बटे आठ की क्यूब के बराबर दे रखा है यहां से आएगा 125 सौ पच्चीस यहां से आएगा हमारे पास में 512 सौ बारह वैल्यूज निकाले यहां से देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर कितना आएगा से ही कर लेते हैं देखो 512 की दस से कराएंगे तो फाइव वन टू जीरो एक्स प्लस का पाँच से कराएंगे पाँचूनी दस पाँच एकम पाँच और एक छः पापा पच्चीस है ना पच्चीस सौ साठ आएगा इधर से पच्चीस सौ साठ इसके बाद यहाँ से देखो कितना आता है हमारे पास में एक सौ पच्चीस गुना बयालीस एक सौ पच्चीस के बयालीस से करेंगे कितना जाएगा पाँच दुनी दस तो आएगा यहाँ से इसके अलावा कितना आएगा पाँच और यहाँ पर कितना आएगा एक सौ पच्चीस बयालीस कितना बारह से कितना चार बावन यहाँ से कितना आएगा बावन और फिर क्या है हमारे पास में एक्स और एक सौ पच्चीस के आठ से कराएंगे कितना आएगा यहाँ से चार सौ और कितना बचता है हजार यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में वन थाउजेंड वैल्यूज को सॉल्व करते देखो एक्स एक्स को एक तरफ करेंगे कितना बचेगा एक सौ पचास एक्स पच्चीस दो सौ यहाँ से कितना आएगा पंद्रह सौ साठ और ये किसके बराबर आएगा हमारे पास में एक सौ पचास एक्स के है ना जीरो से जीरो कैंसिल और कितने पे जाएगा यहाँ से एक सौ पचास बचेगा कितना 1560 और 120 में से कितना है ये 5120 एक दो जीरो दो जीरो है ना और ये कितना है 51 एक एक और दो जीरो एक सौ तो साइड में है यहां से कितना आएगा हमारे पास में 130 ना यहां से वैल्यू कितनी आएगी 130x जीरो से जीरो कैंसिल तेरह एकम तेरह तेरह धुनी छब्बीस एक्स की वैल्यू कितनी आती है बारह एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है बारह पूछा क्या है एक्स का क्यूब कितना है हमसे वैल्यू किसकी पूछ रखी है बारह का हमें क्या निकालना है क्यूब निकालना है आंसर कितना आता है हमारे पास में आंसर कितना आता है हमारे पास में सत्रह ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने यदि 2x plus 3 और ये रेशो इसका घनानुपात है तो x का वर्ग ज्ञात करें सेम क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे x की क्यूब पूछ रखी थी इसने पूछा है x का स्क्वायर क्या है है ना देखो क्या दे रखा है 2x plus का 3 बाय में क्या है 5x plus का 4 इसके बराबर दे रखा है 3 बटे में 4 और इसका क्या है घनानुपात दे रखा है मतलब क्या है मतलब क्या है इसका ट्रिप्लीकेट रेशो हमें दे रखा है यहां पे क्या आएगी इनकी क्यूब नौ की क्यूब कितना होता है सत्ताईस चार की कितनी आएगी चौसठ है ना वैल्यू देखो कितनी आती है चार दुनी आठ छः दुनी बारह एक सौ अट्ठाईस एक्स आएगा यहाँ से चार तीय बारह छः तीय अट्ठारह और एक सौ बानवे आएगा यहाँ से 27 की पाँच से कितने पे जाएगा सात पाँचे पैंतीस पाँच दुनी दस और तीन तेरह एक सौ पैंतीस आएगा हमारे पास में यहाँ से और प्लस का कितना है देखो सात चौक अट्ठाइस चार दुनी आठ और दो दस एक सौ आठ आएगा हमारे पास में यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आएगी सात एक्स तो बचेगा यहां से इसके अलावा कितना आता है हमारे पास में एक सौ आठ है ना ये क्या है एक सौ बानवे एक सौ बानवे से एक सौ आठ जा रहा है वैल्यू कितनी आ रही है कितना बचेगा चौरासी x की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 12. x की वैल्यू कितनी आती है बारह आती है क्वेश्चन ने पूछा है x का वर्ग कितना है x का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी वन फोर्टी फोर वन फोर्टी फोर यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है इसने बोला है चार रेशो नो के अनुपात में ए और बी के बीच में थर्टी नाइन कैंडिया वितरित की जाती हैं। ए रेशो बी कितना गीवन है चार रेशो नो है ना चार रेशो नो आ, बी को ऐसे कितनी कैंडी अधिक मिलती हैं उन दोनों के बीच में कितनी कैंडल्स को बांटा है थर्टी नाइन कैंडीस को इन दोनों का सम कितना है नौ और चार ग्यारह सॉरी नौ और चार तेरह और उन्होंने कितना दिया है थर्टी नाइन इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तीन एक यूनिट की वैल्यू तीन है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ एक यूनिट की वैल्यू तीन है तो चार यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से नौ यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से लेकिन चार या नौ यूनिट की वैल्यू नहीं निकालनी किसकी निकालनी है बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिली बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिली है बी को ए से कितनी कैंडी अधिक मिली है कितने का डिफरेंस है पांच का है ना एक यूनिट की वैल्यू है तीन एक यूनिट की वैल्यू है तीन पांच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी पंद्रह उसको कितनी कैंडीज अधिक मिली है फिफ्टीन कैंडीज उसको मोर मिली है ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें देखो क्या दिया है ए बी सी के बीच इतने का नुकसान इतने के रेशो में विभाजित होना चाहिए तो ए का हिस्सा क्या है ए की वैल्यू हमें निकालनी है देखो रेशियो किस किसका दे रखा है एबीसी का हमें रेशियो गिवन है कितना आएगा सेवन एट नाइन सेवन रेशियो सेवन रेशियो एट रेशियो नाइन किसको क्या है ग्यारह सौ बावन किस डिजिट को इसके बीच में विभाजित किया है ग्यारह सौ बावन को यहाँ से टोटल हमारे पास में कितना आता है यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आएगी पंद्रह और पच्चीस चौबीस यहाँ से कितनी वैल्यू आती है चौबीस चौबीस किसके बराबर है ग्यारह सौ बावन के वैल्यू निकालें यहाँ से चार से जाएगा छः पे चार दूनी आठ और कितना तीन चार आठे बत्तीस और कितना आएगा चार आठे बत्तीस यहाँ से कितने पे जाएगा छः चौक चौबीस और कितना आएगा छः आठे अड़तालीस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में फोर्टी एट क्वेश्चन ने पूछा क्या है क्वेश्चन ने पूछा है ए का हिस्सा क्या है ए का हिस्सा कितना है सात है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अड़तालीस है सात यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सातों आठ छप्पन सात चौक अट्ठाइस और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में तैंतीस छः आंसर कितना आएगा हमारे पास में थ्री थ्री सिक्स तीन सौ छत्तीस तीन सौ छत्तीस यानी कि ऑप्शन नंबर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इसने क्या बोला है देखो x by nine x by y जो है वो इतना है seven x plus six x की वैल्यू ये है y का मान क्या है y की वैल्यू क्या है हम लोग ना यहाँ पे कुछ भी लगा लेते हैं a लगा लेते हैं four a और five पे इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे देखो एक्स रेशियो वाई जो है वो कितना दे रखा है फोर ए दे रखा है और ये कितना गिवन है फाइव ए दे रखा है और इक्वेशन क्या है सेवन एक्स प्लस का सिक्स वाई बराबर किसके है ट्वेंटी नाइन के यहाँ पे देखो सात एक्स कितना आएगा हमारे पास में सात चौक अट्ठाईस ए और यहाँ से कितना आएगा छ पाँच तीस वाई बराबर किसके है ट्वेंटी नाइन के यहाँ से वैल्यू देखो कितनी आती है तीन दो पाँच फिफ्टी एट ए किसके ए है ना ये वाई नहीं आएगा सिक्स ए और यहाँ से कितना आया था तीसें ये है प्लस का ये वाली टर्म है हमारे पास में प्लस की कितना था ये सात सौ अट्ठाईस है प्लस का तीस है ये आएगा यहाँ से कितना आ रखा है फिफ्टी एट ए बराबर है उनतीस के ए की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में वन बाय में टू ए की वैल्यू कितनी आती है वन बाई टू क्वेश्चन ने पूछा क्या है वाई का मान क्या है वाई की वैल्यू कितनी आएगी वाई की वैल्यू यानी कि किसकी की पूछ रखिए फाइव ए की इसके अंदर वैल्यू को पुट करेंगे फाइव ए का मतलब कितना है वन बाय टू आंसर कितना आएगा हमारे पास में टू पॉइंट में फाइव आंसर कितना आएगा यहाँ से टू पॉइंट फाइव ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इस वाली कंडीशन uh, में हमें क्या करना है एक्स की वैल्यू निकालनी है यहां से देखो कितना क्या आता है सबसे पहले है चार रेशो पांच चार बटे पांच है ना इसको रखेंगे चार बटे उसके नीचे क्या है रेशो है बारह बटे दस रेशो पलट जाएगा मल्टीप्लीकेशन में यहाँ कितना आएगा दस के बटे में बारह बराबर है किसके देखो इसका मतलब क्या लगाते हैं हम लोग बराबर है जब ये चार बिंदु दिखे तो वहां पे इज इक्वल टू पुट करना है आगे देखो कितना है एक्स के बटे में <coughs> यहां से एक्स के बटे में छे इसके बटे में नौ बटे में दो है वैल्यू ऊपर आएगी तो दो बटे नौ हो जाएगा यहां से कितना होगा हमारे पास में टू बाय नाइन काट पीट के x की वैल्यू निकालते हैं देखो किस पे क्या जा रहा है <coughs> छुनी बारह है ना दो से जाएगा दो दुनी चार पांच दुनी दस इसके अलावा क्या जा रहा है दो से दो कैंसिल x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है एटीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने यदि 21 चॉकलेट इतने के अनुपात में बांटी जाती हैं तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होगी कितनी चॉकलेट होंगी रेशो क्या दे रखा है हमसे पांच रेशो सात का पांच रेशो दो हमें दे रखा है टोटल चॉकलेट कितनी आई है इसको मान लेते हैं बिग वाला हिस्सा इसको मान लेते हैं स्मॉल वाला टोटल चॉकलेट कितनी है पांच और दो सात क्वेश्चन ने कितनी बोली है टोटल चॉकलेट कितनी है इक्कीस इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है तीन इसका मतलब एक यूनिट का मान हमारे पास में कितना आएगा तीन आएगा क्वेश्चन ने पूछा क्या है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी छोटा हिस्सा यानी कि स्मॉल वाले में कितनी आएंगी दो यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है एक यूनिट की वैल्यू तीन है तो दो यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में छः कितनी आएगी हमारे पास में छः यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट्थ इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है यदि इतनी चॉकलेट को इतने के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी सेम क्वेश्चन है जो अभी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है सेम क्वेश्चन है बस वैल्यूज को चेंज कर रखा है डाटा चेंज करके दे रखा है ये मान लेते हैं बड़े वाला हिस्सा है ये स्मॉल वाला हिस्सा है कितना है सात रेशो चार टोटल चॉकलेट कितनी है सात और चार ग्यारह क्वेश्चन ने टोटल कितनी दी है 121. एक सौ इक्कीस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है ग्यारह एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में ग्यारह क्वेश्चन ने पूछा है छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट है स्मॉल वाले में में कितनी आएंगी हमारे पास में चार। एक यूनिट यूनिट की है चार की वैल्यू वैल्यू है हमसे पूछ फोर्टी फोर आंसर कितना आएगा हमारे पास में चवालीस यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इसमें देखो क्या दिया है श्रीमती सिंह के परिवार की मासिक बचत और व्यय बचत यानी कि सेविंग बचत और व्यय का हमें दे रखा है इसको लिख देते हैं बचत और ये रेशियो है हमारे पास में व्यय का यानी कि खर्चे का बचत है तीन की और खर्चा कितने का है आठ का है तो टोटल आय कितनी होगी टोटल जो इनकम है वो कितनी है ग्यारह की है ना ग्यारह रुपए कमा रहे तभी तो तीन उसमें से बचत कर रहे हैं आठ का खर्चा कर रहे हैं ना आगे देखो क्या दिया है जिस महीने में परिवार की आय इतनी थी उस महीने की बचत क्या होगी आय कितनी दे रखी है हजार हमारे अकॉर्डिंग आय कितनी आई है ग्यारह हमारे अकॉर्डिंग जो उसकी आय है वो कितनी है ग्यारह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आई है सत्ताईस सो so, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में पच्चीस जीरो जीरो है ना ग्यारह दूनी बाईस पाँच जीरो जीरो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है पच्चीस सौ और पूछा क्या है उस महीने की बचत क्या होगी बचत यानी कि हमसे पूछ रखा है तीन यूनिट की वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू कितनी है पच्चीस सौ तीन यूनिट की वैल्यू कितनी आएंगी पच्चीस पिचहत्तर और दो जीरो पिचहत्तर सौ क्या आएगा हमारे पास में आंसर कितना है ऑप्शन नंबर बी सेवेंटी फाइव हंड्रेड पिचहत्तर सौ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ इसमें देखो क्या है यदि 84 को पांच रेशो नौ के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो, तो तो दोनों भागों में से बड़ा क्या है बड़े वाले की हमें वैल्यू निकालनी है देखो एक भाग मान लेते हैं हम लोग स्मॉल और ये है बिग इसका कितना दिया है पांच रेशो नो टोटल कितना है यहाँ से हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी है चौदह और क्वेश्चन ने कितनी दी है एटी है ना क्वेश्चन ने कितनी दी है एटी फोर इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है छः एक यूनिट की वैल्यू छः है पूछी किसकी है दोनों भागों में से बड़ा भाग क्या है क्वेश्चन ने पूछी है बड़े भाग की वैल्यू यानी कि हमें नौ की वैल्यू निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू छः है नौ पाँचे पैंतालीस नौ छिक चौवन आंसर कितना आएगा हमारे पास में फिफ्टी फोर बड़े भाग की वैल्यू कितनी आएगी फिफ्टी फोर चौवन यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें देखो क्या दिया है X की हमें वैल्यू निकालनी है और बाकी की क्या इक्वेशन दे रखी है इसने बोला है एक्स रेशियो सिक्सटीन मतलब एक्स 16 फिर ये चार बिंदु है इसका बताया था इज इक्वल टू लगाना है यहाँ पर किसके बराबर है तिरसठ बटे में कितना आएगा छत्तीस तिरसठ बटे में कितना है छत्तीस यहाँ से अगर हम वैल्यूज को काटे तो देखो कितने पे जाएगा तीन दुनी छ तीन एकम तीन एकम तीन दुनी छ है ना तीन से सात पे तीन से जाएगा चार पे चार चौक सोलह एक्स की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में ट्वेंटी एट एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठाईस अट्ठाईस यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ इसमें क्या दिया है यदि एक मीटर लंबी रस्सी को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे टुकड़े की लंबाई कितनी होगी अभी जो कर रहे हैं ना स्मॉल जो स्मॉल और बिगले के कर रहे हैं सेम क्वेश्चन है बस वैल्यू की वैल्यू चेंज कर रखी है और लेंथ किसकी दे दी हमें रस्सी की मान लेते हैं बड़े वाला हिस्सा और ये है स्मॉल वाला हिस्सा ये कितना दे रखा है नौ का ये कितना दे रखा है पांच का हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा चौदह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल कितना है वन फिफ्टी फोर सात से जाएगा दो पे सात दुनी चौदह सात दुनी चौदह दो से जाएगा कितने पे ग्यारह पे है ना चार पाँच और एक ठीक है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में ग्यारह एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है ग्यारह आई है छोटे टुकड़े की लंबाई क्या है छोटा टुकड़ा कितना है छोटा टुकड़ा कितना है पाँच का एक यूनिट की वैल्यू ग्यारह है पाँच यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में, में पचपन मीटर आंसर कितना आएगा हमारे पास में फिफ्टी मीटर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें क्या दिया गया है देखो एक्स रेशो वाई ये है वाई रेशो ये है एक्स रेशो वाई निकालना है क्या गिवन है देखो एक्स रेशो फोर का मतलब क्या हुआ एक्स के बटे में फोर एक्स के बाय में फोर हमें दे रखा है बराबर है किसके आएगा वाई रेशो फाइव का मतलब वाई के बाय में फाइव अब देखो इस y को तो नीचे लाएंगे चार को ऊपर ले जाएंगे x यहीं पर y आएगा नीचे और ये चार ऊपर चला जाएगा यहाँ से क्या आएगा पांच इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू तो है चार y की वैल्यू कितनी है पांच पूछा क्या है एक्स रेशो वाई कितना है एक्स रेशो वाई को क्या लिखेंगे एक्स रेशियो वाई को लिख सकते हैं कितना चार रेशियो पांच कितना यदि संख्या इसको 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना है, है ना हमने मान लिया दो टुकड़े हैं एक है बिग वाला और एक है हमारे पास में स्मॉल वाला इसकी है बत्तीस रेशियो टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ से यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है टोटल इकतालीस है ना और क्वेश्चन ने कितना दे रखा है क्वेश्चन ने पूरी लंबाई कितनी दे रखी है उसकी एक है पूरी संख्या कितनी है एक है यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में चार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में चार पूछा है छोटे भाग का मान कितना है छोटे भाग की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें नाइन एक यूनिट की वैल्यू कितनी है चार नौ यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में थर्टी सिक्स आंसर कितना आता है हमारे पास में थर्टी सिक्स ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें देखो क्या दिया है एच रेशियो नाइन और यहां पे इसके प्रोपोर्शनल दे रखा है फाइव रेशियो वाई वैल्यू निकालनी है देखो एक्स रेशियो नाइन का मतलब एक्स के बाय में नाइन ये चार बिंदु हैं इसका मतलब इज इक्वल टू किसके बराबर है पांच रेशियो वाई का मतलब पांच के बटे में वाई है ना इसका मतलब क्या हुआ देखो इसका मतलब क्या हुआ अगर हम लोग इसको ऊपर भेजें अगर हम लोग इसको ऊपर लेके आए तो यहाँ पे तो आएगा एक्स इन वाई और यहाँ पे कितना हो जाएगा नौ पाँच पैंतालीस वैल्यू किसकी पूछ रखी है एक्स इंटू वाई की ही वैल्यू हमसे पूछ रखी है एक्स इंटू वाई की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में फोर्टी फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने यदि टू सिक्सटी फोर को इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छो, छोटे भाग का मान क्या है दो वैल्यूज मान लेते हैं हम लोग बिग और स्मॉल इकतीस रेशो तेरह इकतीस रेशो तेरह टोटल कितना आएगा हमारे पास में तीन और एक चार टोटल कितना है हमारे पास में चवालीस और इसने टोटल कितना दे रखा है टू सिक्सटी फोर यहां से एक यूनिट की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखो कितना आएगा चार दो छह ग्यारह से जाएगा चार पे ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह चौक चौवालीस चार से जाएगा छः पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में सिक्स यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में सिक्स क्वेश्चन ने पूछा क्या है छोटे भाग का मान क्या है स्मॉलर वाली वैल्यू कितनी है हमारे पास में तेरह एक यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है एक यूनिट की वैल्यू है छ तेरह यूनिट की वैल्यू कितनी होगी सेवेंटी यानी कि अठहत्तर अठहत्तर यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने पंद्रह रेशियो एक्स इसके प्रपोर्शनल दे रखा है फाइव रेशियो वाई एक्स रेशियो वाई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है पंद्रह रेशियो एक्स को क्या लिख सकते हैं पंद्रह बटे एक्स ये जो चार बिंदु है इसका मतलब क्या लगाना है इज इक्वल टू लगाना है पाँच के बटे में कितना आएगा वाई है ना पाँच से कितने पे जाएगा तीन पे अब देखो इस वाई को तो ऊपर लाएंगे एक्स को नीचे ही रखेंगे और यहाँ पे कितना रहेगा एक और ये जो तीन है ये यहाँ पे नीचे आएगा है ना एक्स की तीन नीचे आएगा वाई ऊपर वाई बटे एक्स एक बटे तीन आंसर कितना आता है हमारे पास में पूछा क्या है रेशो एक्स रेशो वाई एक्स रेशो वाई एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की वैल्यू कितनी है तीन और वाई की वैल्यू कितनी आई है एक आंसर कितना आएगा हमारे पास में थ्री रेशियो वन आंसर कितना आता है थ्री रेशो वन थ्री रेशियो वन यानी कि ऑप्शन नंबर सी रेशियो के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा गलती होती है रेशियो को टिक करते टाइम थ्री रेशो वन है या वन रेशो थ्री है हंड्रेड एंड वन परसेंट दोनों चीज़ें हमें ऑप्शन में गिवन मिलेंगी वन रेशो थ्री भी दे रखा होगा और थ्री रेशो वन भी हमें दे रखा होगा सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का जो रेशियो आया है जो चीज़ पहले है पहले एक्स था तो पहले एक्स को ही बिठाना है एक्स अगर पहले दे रखा है तो पहले वैल्यू भी एक्स की आएगी फिर बाद में वाई है तो पीछे वाली वैल्यू किसकी आएगी वाई की आएगी ध्यान रखना रेशियो के क्वेश्चन में बहुत गलतियाँ होती हैं बहुत सारे लोगों की इस टाइप से गलतियां होती हैं ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर अठारह इसने बोला है जब तैतालीस अड़तीस ग्यारह दस प्रत्येक में से एक्स को घटाया जाता है है ना तो इस तरह से प्राप्त संख्याएं अनुपा अनुपातिक होती हैं जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो क्या कि चार संख्याएं हैं सब में से सेम डिजिट सेम डिजिट कुछ भी ले सकते हैं एक्स ले सकते हैं वाई ले सकते हैं सेम डिजिट को सब्रैक्ट किया जाता है उसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो अनुपातिक हो जाएंगी इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है देखो चार संख्याएं हैं इनको सीरीज में उतारना है तैतालीस अड़तीस ग्यारह और फिर कितना आएगा दस सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले क्या करना है देखो इन बाहर वालों की गुना करानी है उसमें से सपरेट कराना है अंदर वालों की गुना करके कितना आएगा हमारे पास में देखो वैल्यूज ती, चार सौ तीस तो आएगा यहाँ से उसमें से सपरेट करानी है इन दोनों की गुना आठ और तीन और कितना आएगा 418 सौ अट्ठारह यहाँ से कितना आएगा 418 सौ अट्ठारह अब नीचे क्या लेके आना है सेम जो वैल्यू है ना इनका पेयरिंग तो ऐसे ही रहेगा बाहर वाली दोनों अंदर वाली दोनों लेकिन नीचे क्या आएगा दोनों को जोड़ करके माइनस कराना है यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में 43 प्लस दस में से घटाना है क्या अड़तीस प्लस का ग्यारह वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में 12 तो बचेगा ऊपर नीचे कितना आएगा 53 माइनस का कितना 49 नीचे कितना आता है फोर कितने पे जाएगा थ्री पे कितने पे जाएगा थ्री पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है तीन वह संख्या जो इनमें से घटाई जाती है वो कितनी है तीन है क्वेश्चन ने पूछा है ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है ग्यारह एक्स ग्यारह और तीन कितना आएगा छत्तीस और क्या दिया है नाइन एक्स माइनस का टू नौ तो में से दो जाएगा पच्चीस है ना 36 और 25 के बीच मध्य अनुपाती क्या है मेन प्रपोशन हमें निकालना है मेन प्रपोशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट ए बी है ना अंडर द रूट 36 गुना पच्चीस आंसर कितना आएगा छः पंजे तीस आंसर कितना आएगा हमारे पास में थर्टी थर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है एक अधिकारी और एक कलर्क का मासिक वेतन इतने के अनुपात में है है ना अधिकारी को मान लेते हैं ए से है, है कलर्क को मान लेते हैं सी से है रेशो कितना है ग्यारह रेशो चार है यदि अधिकारी के मासिक वेतन में सात हजार और कलर्क के वेतन में तीन हजार की वृद्धि होती है तो अनुपात उन्नीस रेशो सात हो जाता है रेशो कितना हुआ उन्नीस रेशो सात कितने की क्या वृद्धि होती है अधिकारी के वेतन में सात हजार की अधिकारी के वेतन में कितने की हुई है सेवन थाउजेंड की और इधर कितना दे रखा है कलर्क के वेतन में कितने की हुई है तीन हजार की यहां पे कितना आएगा थ्री के है ना इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसमें आय व्यय और खर्च वाले क्वेश्चन है ना जिसमें आय दे रखी हो व्यय दे रखा हो यानी कि खर्चा और बचत बचत दे दे रखी रखी हो हो उस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें अलग-अलग सेम फॉर्मेट यही बनता है उन क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चन में कैसे सोल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से किसकी किसकी गुना करानी है यहां से देखो हमारे पास में यहाँ से कितना आता है हमारे पास में फिफ्टी सेवन के और इसमें से सप्रेक्ट कितना होगा सातों सातों उनचास के और यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में सब इसकी इससे करानी है माइनस में इसकी ग्यारह साते सतहत्तर और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में सेवेंटी सिक्स है ना यहाँ पे देखो कितना आता है वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से आठ के और यहाँ पे कितना आएगा एक इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आठ हजार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है एट के हमने लगाया है थाउजेंड वाला मतलब आठ हज़ार आगे देखो क्वेश्चन ने बोला है अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था अधिकारी का निकालना है अधिकारी का निकालना है प्रारंभिक वेतन मतलब ग्यारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू आठ हजार है ग्यारह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में ग्यारह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठासी हजार अट्ठासी हजार यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसने बोला है रामू और सोमू के मासिक आय का रेशो ये है उनके व्यय का रेशो ये है है ना रामू और क्या दे रखा है रामू और सोमू ये है रामू ये है सोमू ये दे रखा है आय है और ये आएगी इनके हमारे पास में व्यय है आय का रेशो क्या दे रखा है इसने दिया है छ रेशो पांच है छ रेशो पांच है और व्यय का रेशो कितना है सात रेशो छ आगे देखो क्या है महीने के अंत में रामू और सोमू इतने इतने की बचत करते हैं बचत कितनी दे रखी है इसकी है पंद्रह सौ की और इसकी कितनी आएगी हमारे पास में एक हजार की ये क्या है बचत है अभी जो क्वेश्चन किया था अभी जो क्वेश्चन किया था जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यही क्वेश्चन का फॉर्मेट है है ना आए वे वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट उस क्वेश्चन में दे रखा था सेम आए वे वाले जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है सेम सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे देखो कैसे करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना सात हजार यहां से कितना आएगा पंद्रह छ के नब्बे नौ हजार बराबर किसके है देखो छत्तीस माइनस का पैंतीस किसके बराबर आएगा हमारे पास में वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास में दो हजार है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है दो हजार क्वेश्चन ने पूछा है क्वेश्चन ने क्या पूछा है रामू की मासिक आय कितनी है रामू की मासिक आय रामू की आय मतलब कि छ यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है छह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बारह उसकी मासिक व्यय कितनी है उसकी मासिक सॉरी वे नहीं आय कितनी है बारह हजार मतलब ए की वैल्यू तो है सात ए की वैल्यू दे रखी है सात बी की वैल्यू दे रखी है पांच सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है पुट करेंगे देखो ए की कितनी है सात सात पांच पैतीस प्लस में पांचों के बीस यहाँ पर कितना आएगा पैंतीस माइनस का बीस है ना नीचे तो आएगा हमारे पास में पंद्रह और कितना आएगा तीन दो पांच और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में पचपन पांच से तीन पे पांच से जाएगा ग्यारह पे आंसर कितना आएगा ग्यारह बटे तीन आंसर कितना आता है हमारे पास में इलेवन बाय थ्री ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने ए प्लस बी माइनस का सी और ये और ये इनका रेशियो दे रखा है ए माइनस बी सी माइनस बी और सी माइनस ए इसका रेशियो हमें निकालना है है ना सबको अगर हम जोड़ दें अगर हम सब वैल्यूज को जोड़ दें तो कितना आता है हमारे पास में यहां से आएगा ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का बी प्लस का सी और माइनस का ए प्लस का ए प्लस का सी और माइनस का बी यहां से कुछ कट रहा है तो देखते हैं देखो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल माइनस का ए, प्लस का प्लस कैंसिल, इसके अलावा माइनस का सी है ये है प्लस का सी है ना? बचता क्या है ए प्लस का बी प्लस का सी और यहां से टोटल वैल्यू कितनी आएगी पांच चार नौ और नौ अठारह किसके बराबर है अट्ठारह के बराबर है ऊपर क्वेश्चन ने क्या दिया है ए प्लस बी माइनस का सी है ना ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने वैल्यू कितनी दे रखी है चार की यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में बाईस कितने पे जाएगा ग्यारह पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है इलेवन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है इलेवन आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने प्लस बी की वैल्यू जैसे आई है ऐसे ही हम लोग और पुट करेंगे देखो अगर अगर हम हम लोग इसकी इसकी वैल्यू वैल्यू को को पुट करें रखें तो कितना आएगा अगर हम लोग यहां पर उसकी वैल्यू को रखेंगे यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना अठारह और रखेंगे क्या बी प्लस सी माइनस का ए है ना इसकी वैल्यू कितनी है पांच तो यहां से देखो क्या आएगा ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी अठारह और कितना तेईस बटे दो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में तेईस बटे में दो है ना इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्यारह पॉइंट पांच इसके अलावा सेम हम लोग तीसरे वाली सिचुएशन को रखेंगे तीसरे वाली इक्वेशन क्या है ए प्लस सी माइनस का बी ए प्लस सी और माइनस का क्या दे रखा है बी इसकी वैल्यू कितनी है नो है ना बी से बी कैंसिल ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी सत्ताइस ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है ए प्लस सी की वैल्यू आएगी सत्ताईस बटे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग तेरह पॉइंट पांच है ना इसको लिख सकते हैं तेरह पॉइंट पांच तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज आ गई यहां से किसकी निकालेंगे ए माइनस बी की यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे देखो ए माइनस बी की है ना इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करा दे अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कराएं तो देखो कितना आएगा यहां से ए, इसको यहां लिख ले साइड में इसको लिख लेते हैं a प्लस सी की कितनी है 27 बटे दो या फिर लिख सकते हैं 13.5 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं तो देखो कितना आएगा माइनस 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 है ना माइनस का भी से ये कैंसिल ए माइनस का सी तो आएगा यहाँ से और यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास में ए माइनस का सी नहीं सी माइनस का ए यहाँ पर क्या लेंगे सी माइनस का ए तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना और यहाँ से कितना आएगा 0.5 इसको लिख सकते हैं एक बटे दो सी माइनस ए की वैल्यू हमने निकाल ली ऐसे ही अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएं <clears throat> इन दोनों वैल्यूज को सप्रैक्ट कराएंगे तो देखो कितना आएगा ए प्लस सी में से बी माइनस का सी इसमें से क्या करना है बी माइनस का सी और वैल्यू कितनी है ग्यारह पॉइंट पांच यहां पर देखो सी से सी कैंसिल है ना क्या दे रखा था बी प्लस का सी है सॉरी यहां पे देखो निशान चेंज सी C से कैंसिल C माइनस का बी और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी दो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में टू इसके बाद तीसरी वैल्यू अगर हम निकालें इन दोनों को इक्वेट कराकर देखो ए प्लस बी दे रखा है ग्यारह और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है तेरह पॉइंट यहाँ से माइनस कराएंगे किसकी वैल्यू आएगी बी माइनस सी की बी माइनस सी नहीं सी माइनस बी बोलेंगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी सी माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2.5 पॉइंट यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 2.5 पॉइंट वैल्यूज को पुट करेंगे देखो कितना क्या जाता है सबसे पहले इसने बोला है a माइनस बी ए माइनस बी की कितनी है दो उसके बाद रेशो c माइनस बी सी माइनस बी यानी कि 25 बटे दस पच्चीस बटे दस उसके बाद बोला है c माइनस ए सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है एक बटे दो है ना दस से कराएं यहाँ पर या फिर इसको लिख सकते हैं पाँच बटे में दो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाँच बटे में दो दो से कराएंगे तो कितने पे जाएगा देखो दो से यहाँ पर दो से कराएंगे यहाँ पर रेशो कितना आएगा चार चार रिशो रिशो एक. आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन इजी है है ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने यदि इतने की धनराशि को तीन इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहला काम है फ्रैक्शन से वैल्यूज को हटाना है सबसे पहला काम है हमारा वैल्यूज को फ्रैक्शन से हटाना है यहां पर कितना है तीन के बटे में चार एलसीएम कितना है इनका बारह एलसीएम कितना आएगा इनका बारह बारह से सबको गुना कराना है बारह से सबको गुना कराना है कितना बचेगा देखो दो से जाएगा छः पे है ना? तीन से जाएगा चार पे चार दुनी, आठ. इसके अलावा देखो रेशियो कितना, रेशो रेशो कितना आया है सिक्स रेशियो एट रेशो नाइन मतलब इस हिस्से में इस रेशियो में वैल्यू को बांटना है किस वैल्यू को बांटना है छ सौ की टोटल कितना आता है हमारे अकॉर्डिंग देखो सत्रह और यहाँ से कितना तेईस और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है सिक्स फोर फोर है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है हमारे पास में सिक्स फोर फोर यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी कितने पे जाता है यहाँ से हमारे पास में आ, कितने पे दो पे उसके बाद कितना आएगा यहाँ से देखो दो पे चला जाएगा कितना आएगा यहाँ से बचता कितना है चार आठ चौक बत्तीस आठ कितने पे जा रहा है अट्ठाईस पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में अट्ठाईस पूछा क्या था क्वेश्चन ने पहले भाग की वैल्यू कितनी है सबसे पहला भाग यानी कि हमसे छह यूनिट की वैल्यू पूछी गई है आठ छिक अड़तालीस छह दुनिया बारह और चार बारह और चार कितना सोलह आंसर कितना आता है हमारे पास में वन आंसर कितना आएगा हमारे पास में वन ऑप्शन नंबर

चार तीन दो चार तीन और दो जीरो तो लगा सकते हैं ना हम लोग रेशियो के अंदर कितनी भी जीरो हम लोग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कितनी भी जीरो हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन एक शर्त क्या है सबके साथ करना है जो भी चेंजमेंट करते हैं रेशियो में जितनी भी डिजिट दे रखी है सबके साथ करना पड़ेगा चेंजमेंट कुछ भी कर सकते हैं है ना एक एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दी उसने बोला है लंबाई में पचास की वृद्धि की जाती है पचास कितना होगा इसका बीस यानी कि कितनी हो गई साठ ऊंचाई में 40 परसेंट की कमी की जाती है ऊंचाई में चालीस परसेंट की कमी की जाती है कितना है कितना बोला है चालीस परसेंट कितना चार दुनिया आठ मतलब आठ की कमी कर दी आठ की कमी कर दी तो वैल्यू कितनी आएगी बारह आएगी और ब्रेथ में कोई चेंजमेंट नहीं बोला ना चौड़ाई में चौड़ाई उतनी ही रख लेते हैं कितनी आएगी तीस ये है पुराने वाला और ये है नए वाला क्वेश्चन क्वेश्चन ने ने क्या पूछा पूछा है? ने है नए आयतन का पुराने आयतन से रेशो निकालना है न्यू रेशो ओल्ड हमें करना है न्यू रेशो ओल्ड नई वाली वैल्यूज़ देखो कितनी आती हैं? नई वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में साठ गुना तीस गुना बारह और ओल्ड वाली कितनी है पुराने वाली कितनी आएंगी चालीस गुना तीस गुना बीस यहाँ से काट लेते हैं देखो यहाँ से वैल्यूज को काट लेते हैं थर्टी से तो थर्टी कैंसिल इसके अलावा कितना आएगा हमारे पास में दो से कितने पे जाएगा तीन से है ना और फिर कितने पे जा रहा है चार से दस पे चार तिया बारह रेशो कितना आएगा नाइन रेशो टेन रेशो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में नो रेशो दस ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने एक पिगी बैंक में एक रुपए के दो रुपए के और पांच रुपए के सिक्के का रेशो हमें दे रखा है है ना पांच रेशो नो रेशो चार कितने कितने रुपए के ये है एक रुपए का और ये है एक रुपए का यहाँ पर दे रखा है दो के और पाँच के ये है दो रुपए के और ये है हमारे पास में पाँच रुपए के टोटल कितने हो गए एक रुपए के पाँच सिक्के मतलब पाँच रुपए दो रुपए के नौ सिक्के मतलब अट्ठारह रुपए और पाँच रुपए के चार सिक्के मतलब बीस रुपए ये क्या आया है हमारे पास में अमाउंट है ये क्या है हमारे पास में रुपए की संख्या दे रखी है क्वेश्चन ने बोला है कुल राशि 860 है टोटल कितना है 860. हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू देखो कितनी आएगी आठ और पांच तेरह दो तीन चार तिरतालीस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 860 है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है बीस <coughs> एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है बीस क्वेश्चन ने पूछा है पांच रुपए के सिक्के कितने हैं पांच रुपए के सिक्के कितने हैं सिक्के कितने हैं हमारे पास में चार सिक्के हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास में अस्सी है ना आंसर कितना आएगा हमारे पास में अस्सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है सुंदरलाल ने अपनी एक लाख बासठ हजार की बचत को अपनी पत्नी तीन बेटों और एक बेटी में इस प्रकार विभाजित करी किस किस में बाटी है पत्नी को मान लेते हैं वाइफ है है ना उसके बाद है तीन बेटो बेटे यानी कि उसके सन हैं और डॉटर विभाजित करी कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दो गुना धनराशि मिली बेटी की तुलना में बेटी की तुलना में पत्नी को दो गुना धनराशि मिली यही बोले ना बेटी की तुलना में दो गुना धनराशि मिली और उनकी बेटी को प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दो गुनी धनराशि मिली है ना? इसको दो गुनी मिली है हर एक बेटे के कंपेरिजन में यहां से जो भी खाली जगह है वहां पर इसका पड़ोसी बिठाएंगे कितना आएगा वन यहां पर कितना आएगा टू वैल्यू देखो कितनी आती है रेशो कितना बनेगा हमारे पास में चार रेशो दो रेशियो एक लेकिन ध्यान रखना लेकिन ध्यान रखना क्या है पत्नी तो एक है ऑब्वियसली पत्नी तो एक ही होगी बेटे कितने दे रखे हैं तीन बेटे कितने दे रखे हैं उसके तीन दे रखे हैं और क्या है एक बेटी बेटी भी कितनी है एक है इसका मतलब रेशो क्या है हमारे पास में चार रेशो दो रेशो तीन रेशो कितना आएगा चार रेशो, दो रेशो, तीन. आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली बेटी का हिस्सा हमें निकालना है है ना? टोटल अमाउंट कितना है एक लाख बासठ हजार का हमारे अकॉर्डिंग कितना है तीन दो पांच और चार नो का नौ यूनिट किसके बराबर है नौ यूनिट किसके बराबर आएंगी एक लाख बासठ हजार छः दो आठ नौ नौ से कितने पे जाएगा नौ एकम नौ नौ अठे बहत्तर और तीन जीरो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 18000 हज़ार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठारह हज़ार किसका हिस्सा निकालना है बेटी का बेटी का हिस्सा निकालना है इसका मतलब कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें दो यूनिट की वैल्यू निकालनी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में छत्तीस आंसर कितना आता है हमारे पास में थर्टी सिक्स थाउजेंड ऑप्शन नंबर ए बस ध्यान क्या रखना है जितने लोग एक्स्ट्रा हैं एक्स्ट्रा का मतलब जैसे बेटे तीन थे तो तीन की गुना करानी पड़ेगी जो बेटे का रेशियो है उसकी मान लो इसी क्वेश्चन में ये दे रखा होता <coughs> कि तीन बेटे हैं और दो बेटी हैं तो बेटे का जो रेशियो उसकी तीन से गुना कराते अगर बोल रखा होता दो बेटी हैं तो इसकी दो से गुना करा के चार रेशो चार रेशो तीन आ जाता हमारे पास कहने का मतलब यही है कि जितनी वैल्यू दे रखी है जितने मेंबर्स दे रखे हैं उसकी हमें गुना करानी पड़ेगी ये वाला पॉइंट नोट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसने क्या बोला है डेयरी मालिक प्रतिदिन तीन किस्म तीन टाइप है उसके पास में एक है फुल, फुल क्रीम फुल में एक लीटर के पैकेट में इतने लीटर दूध बेचता है है ना लीटर के पैकेट में इतने लीटर दूध बेचता है टोन्ड दूध के पैकेट की बिक्री फुल क्रीम के पैकेट की तुलना में 80 परसेंट अधिक है टोंड और फुल एक दे रखा है टोंड और एक है फुल क्रीम है ना इसको टी और एफ से ले लेते हैं इसने बोला है टोंड दूध के पैकेट की बिक्री फुल क्रीम की तुलना में 80 अधिक है फुल क्रीम की अगर 100 है तो इसकी कितनी आएगी 180 की और डबल टोंड दूध के पैकेट की बिक्री जो डबल टोंड है वो टोंड दूध के टोंड दूध के आ, पैकेट की तुलना में 60% परसेंट कम है अगर ये 100 है तो ये कितना है 40 है यहाँ पर रेशो कितना आएगा हमारे पास में <coughs> पांच रेशो दो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में पांच रेशो नो है ना जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर उसका पड़ोसी बिठाना है जहाँ पर जगह खाली है वहाँ पर उसका पड़ोसी रखेंगे यहाँ से रेशो कितना मिलेगा हमें पापा पच्चीस नौ 45, पैंतालीस नौ 18. अट्ठारह ये आता है हमारे पास में तीनों का रेशो क्वेश्चन ने पूछा है वह प्रतिदिन डबल टोंड दूध के कितने पैकेट बेचता है डबल टोंड दूध के इसका मतलब अट्ठारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है टोटल कितना दूध दे रखा है पाँच टोटल कितना दे रखा है पाँच हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है पाँच पाँच दस और आठ अट्ठारह है ना चार दो छः सात और एक आठ हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है एटी एट आठ और पाँच तेरह ग्यारह से जाएगा आठ पे ग्यारह चौक चौवालीस और फिर कितना बचेगा ग्यारह है, आठ है ना आठ छिक अड़तालीस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है छः क्वेश्चन ने पूछा है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू कितनी है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से कितनी आएगी अठारह छी के कितना एक सौ आठ यूनिट की वैल्यू कितनी है इसका मतलब डबल टोंड दूध की कीमत उसकी क्वांटिटी uh, उसकी जो अमाउंट है डबल टोंड दूध जो है वो कितना है एक सौ आठ लीटर आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसने बोला है सात हजार आठ सौ की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है बी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है है ना और सी का हिस्सा बी के हिस्से से सी का हिस्सा या इसको सीधा ही लिख लेते हैं देखो आ, कितना आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बोला था बी का हिस्सा ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है बी का जो हिस्सा है वो ए के हिस्से का ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है इसका मतलब कितना है वन है इसके बाद क्या बोला है सी का हिस्सा बी के हिस्से से बीस परसेंट अधिक है सी का हिस्सा बी के हिस्से से इसको ऐसे कर लेते हैं बी के हिस्से से 20 परसेंट अधिक है मतलब 120 है यहां से कितना आएगा दो से पंद्रह पे दो से पांच पे दो से जाएगा छ पे है ना रेशो कितना आता है हमारे पास में पंद्रह रेशो पांच रेशो क्वेश्चन ने बोला है ए का हिस्सा ज्ञात करें टोटल कितना है टोटल कितना दे रखा है सात हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा बीस और छब्बीस छब्बीस यूनिट बराबर किसके हैं अठहत्तर सौ यूनिट किसके बराबर

इसने बोला है एक को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का एक बटे पांच दूसरे भाग का एक बटे तीन और तीसरे भाग का एक बटे ग्यारह बराबर है तीन भाग दे रखे हैं हमने मान लिया ए बी सी हमारे पास में तीन भाग हैं इसने बोला है पहले भाग का एक बटे पांच है ना दूसरे भाग का एक बटे तीन और तीसरे भाग का एक बटे ग्यारह वैल्यूज आपस में बराबर है चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रपोशन का उसके जो की पॉइंट देखे थे उसमें हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन मिले तो ए बी सी की वैल्यू कौन सी है जो उनके नीचे दे रखी है वही उनकी वैल्यू होती है है ना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सी की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू हमारे पास में ये है क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है एक क्वेश्चन ने दिया है एक इसको लिख लेते हैं ए बी ए की है पांच बी की है तीन और सी की कितनी है ग्यारह टोटल कितना आएगा हमारे पास में उन्नीस क्वेश्चन ने कितना दिया है वन फिफ्टी है ना और पूछा क्या था दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है दूसरे और तीसरे भाग का यानी कि b प्लस सी की वैल्यू प्लस सी की, की, की वैल्यू कितनी आएगी चौदह की वैल्यू हाँ, कितनी आती है आठ निकालनी क्या है हमें चौदह यूनिट की वैल्यू वैल्यू किसकी निकालनी है चौदह यूनिट की आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से एक आंसर कितना आता है वन वन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी इसने क्या बोला है इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात ये है ए का व बी की बचत के बराबर है है ना देखो ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है ये है ए ये है बी इनकी आय का रेशो गिवन है कितना आएगा पांच रेशो इसने बोला है ए का व्य बी की बचत के बराबर है ए और बी का कुल इतना है इसमें वह दे रखा है इनकी आय का अनुपात इतना है ए का व्य ठीक है बी की बचत के बराबर है यदि ए और बी का कुल इतना है टोटल खर्चा दे रखा है तो बचत क्या होगी कुल व्य हमें दे रखा है कितना आएगा यहाँ से आगे क्या करेंगे देखो वह दे रखी है ना कितना आएगा देखो यहाँ से थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन को इसने बोला है ए का वह बी की बचत के बराबर है इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग ए की क्या बोला था ए का वह ए का बराबर है किसके बी की बचत के बी की बचत के बराबर है अगर हम इन दोनों की बचत निकालें अगर हम इन दोनों की बचत निकालें मतलब कि ए की बचत प्लस में बी की बचत है ना बी की बचत कितनी आएगी देखो दोनों की टोटल इनकम कितनी है सात और पांच बारह एक्स दोनों की टोटल इनकम है बारह एक्स उसमें से दोनों का जो वह है दोनों का जो खर्चा है उसको घटा देंगे यानी कि पंद्रह हजार सात सौ पचास है ना तभी तो आएगी ना दोनों की इनकम में से टोटल इनकम में से टोटल खर्चा घटाते हैं तभी तो हमारे पास में बचत आएगी तो बचत की वैल्यू आती है ये ए की बचत यहीं पर रहेगी बी की बचत की जगह पर लिख सकते हैं ए का वे मतलब ए की बचत प्लस में ए का वे ए का वे है ना किसके बराबर दे रखा है वैल्यू यही लेके चलते हैं बचत प्लस में वे बचत और यहां पर क्या है वे यहां पर क्या है बचत इनकम किसके बराबर होती है आय किसके बराबर है वे प्लस बचत के ना तो वे प्लस बचत की जगह पर क्या लिख सकते हैं a की आय यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग a की आय a की आय कितनी है इनकम कितनी दे रखी है पांच एक्स बराबर किसके है बारह एक्स माइनस का पंद्रह हजार सात सौ पचास यहां से वैल्यू कितनी आएगी सात एक्स की वैल्यू कितनी है पंद्रह हजार सात सौ पचास वैल्यू देखो सात दूनी चौदह और सात दूनी चौदह सात पांच पैंतीस और जीरो एक्स की वैल्यू कितनी आई है बाईस सौ पचास क्वेश्चन ने पूछा था उनकी कुल बचत कितनी है बचत कैसे निकालनी है बचत कैसे निकालनी है इनकम में से खर्चा घटा देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि आय में से वह घटा देंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी बचत की आय कितनी है बारह एक्स की है ना बारह और एक्स की वैल्यू कितनी है अभी अभी आई यहाँ से निकाल लेते हैं देखो बारह पांजे साठ बारह दुनी चौबीस और छेतीस बारह दुनी चौबीस और यहाँ से कितना आएगा 27000 हजार कितनी वैल्यू है 27000 हजार इसमें से खर्चा कितने का है पंद्रह हजार सात सौ पचास पंद्रह हजार सात सौ पचास कितना आता है हमारे पास में दो यहाँ पे कितना आएगा ग्यारह हजार दो सौ पचास है ना उनकी बचत कितने की है ग्यारह हजार दो सौ पचास ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन है रेशियो एंड प्रपोशन हिंदी में बोलते हैं इसको अनुपात और समानुपात इस वाले टॉपिक की हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे उनको नोट किया था प्लस में इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रपोशन जो टॉपिक है इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इसने देखो क्या बोला है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना इतना है एक बार लिख लेते हैं देखो लड़कों यानी कि गर्ल्स हमें दे रखा है कितना आएगा थ्री रेशियो फोर थ्री रेशियो फोर है ना इसने बोला है यदि लड़कों की संख्या में दस परसेंट की वृद्धि होती है और लड़कियों में पंद्रह परसेंट की वृद्धि होती है तो इनकी संख्या का नया रेशियो क्या है है ना रेशियो जो टॉपिक स्टार्ट किया था सबसे पहली चीज हमने यही डिस्कस की थी कि रेशियो की एक अच्छी बात यह है हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं इसका मतलब हम लोग जीरो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं दो जीरो लगा सकते हैं पांच से काट सकते हैं दस से काट सकते हैं मतलब अपनी मर्जी से वैल्यू इसको घुमा सकते हैं यानी कि तीन रेशो चार की जगह पर हम लोग इसको तीस रेशो चालीस भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आगे देखो क्या बोला है लड़कों की संख्या में 10% परसेंट की वृद्धि होती है 30 का 10% परसेंट कितना तीन अब कितने हो गए 33 हो गए और क्या बोला है लड़कियों की संख्या में 15% परसेंट की वृद्धि होती है 15% परसेंट को लिख सकते हैं 10 प्लस पांच दस परसेंट कितना आएगा इसका चार और पांच परसेंट कितना दो टोटल 6 की वृद्धि हुई यानी कि अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई फोर्टी पूछा क्या है लड़कों की संख्या बॉयज रेशो गर्ल्स अब कितना है है ना क्वेश्चन ने पूछा है बॉयज रेशो गर्ल्स अब कितनी है कितनी आएंगी हमारे पास में थर्टी थ्री रेशो फोर्टी सिक्स है इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग तैतीस बटे छियालीस आंसर कितना आएगा हमारे पास में थर्टी थ्री बाय फोर्टी सिक्स तैतीस बटे छियालीस ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसमें देखो क्या दिया है चार संख्याएं इस रेशो में हैं उनके योग का दुगुना चवालीस है है ना प्रत्येक संख्या के घन में से तीन घटाकर प्राप्त संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें बाद में बताएंगे उनका रेशियो क्या आएगा सबसे पहले डिजिट निकालते हैं यहां तक का क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करते हैं इसमें देखो चार संख्याएं मान लेते हैं ए बी सी डी किस रेशियो में है वन रेशियो टू रेशियो थ्री रेशियो फाइव इसने बोला है इसने क्या बोला है थ्री रेशियो फाइव इसने बोला है उनके योग का दुगना चवालीस है इनका योग देखो कितना आएगा हमारे पास में पाँच तीन आठ दो दस और ग्यारह योग का दुगना जो है वो कितना है चवालीस है इसका मतलब क्या हुआ ग्यारह से चार पे दो से कितने पे जाएगा हमारे पास में दुगनी है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में दो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी दो आएगी हमारे पास में ए बी सी डी जो वैल्यू है वो कितनी कितनी आएंगी देखो एक इतनी थी एक। यहां पे कितना आएगा दो, दो दुनी चार तीन छः पांच दुनी दस पूछा क्या है क्वेश्चन ने प्रत्येक संख्या के घन में से तीन घटा करके है ना प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या है इसकी घन यानी कि क्यूब कितनी होगी आठ आठ में से तीन घटाएंगे कितना आएगा पांच पहले पे क्या आएगा हमारे पास में पांच सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा पांच आंसर क्या आएगा हमारे पास में डी बाकी का निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी पहले वाले से ही हमारे पास में आंसर आ गया सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट एक डिजिट को निकाल करके ही हमारे पास में आंसर आ गया राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने एक्स वाई जेड और डब्ल्यू चतुर्थ अनुपात में है x इतना है y इतना है w इतना है आ, x y जेड और w ठीक है z का मान कितना है z की वैल्यू हमें निकालनी है फोर्थ प्रपोशन का मतलब क्या होता है फोर्थ प्रपोशन निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है सबसे पहले हमने डिस्कस किया था यही सब टर्म्स को हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला क्या होता है फोर्थ प्रपोर्शनल का बीसी बाई में बीसी बाई में वैल्यू देखो क्या क्या दे रखी है एक्स की है तीन एक्स की क्या है तीन y की कितनी दे रखी है तेरह और फिर कितनी दे रखी है हमें इसकी w की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें थर्टी नाइन बी कितना आएगा हमारे पास में यहां से देखो b कितना आएगा इसमें तेरह और c कितना आएगा हमारे पास में थर्टी नाइन बी सी बाय में a की वैल्यू कितनी है तीन और वैल्यूज क्या क्या दी हैं एक्स वाई जेड और W चतुर्थ अनुपात में है ये वाला नहीं लगा सकते देखो चार वैल्यूज दे रखी है ना चार वैल्यूज हमें दे रखी है ये वाला हम लोग नहीं लगा सकते हैं चतुर्थ अनुपात में है मतलब वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है हम लोग बोल सकते हैं किस किस को दे रखा है एक्स वाई जेड और W इसका मतलब क्या हुआ x बटे में y जो है वो बराबर है किसके जेड बटे में W के वैल्यूज को पुट करते हैं x कितना है तीन y कितना है तेरह बराबर W कितना है हमारे पास में 39 और Z की वैल्यू निकालनी है तेरह तीन उनतालीस जेड की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में नाइन Z की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है नो यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ इसमें देखो क्या है रवि और शिव की मासिक आय इतने के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय इतने हैं है ना एक दे रखा है रवि दूसरा कौन है शिव है उनकी मासिक आय जो है आय यानी कि इनकम का रेशियो क्या दे रखा है वन रेशो टू और उनका जो मासिक व्यय है उनका जो खर्च है उसका रेशो कितना है वन रेशो थ्री है यदि प्रत्येक प्रति माह चार हजार की बचत करता है तो शिव की मासिक आय ज्ञात करें यहाँ पे क्या है हमारे पास में बचत कितने की दे रखी है बचत इसकी भी कितनी है फोर के की और इसकी बचत भी कितने की दे रखी है चार हजार की फोर के की इस वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे दो टाइप से कर सकते हैं जब भी हमें इस वाला इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो हम दो टाइप से क्वेश्चन को कर सकते हैं एक तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से और दूसरा बाय रेशियो से हम लोग इसको कर सकते हैं है ना देखो दोनों से देख लेते हैं अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करना हो तो कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे करेंगे देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे माइनस में इसकी मल्टीप्लाई इससे चार की यहाँ से कराएंगे तो फोर थाउजेंड यहाँ से आएगा माइनस का चार तय बारह हजार आएगा हमारे पास में यहाँ से बराबर है इसकी गुना करानी है इससे और इसकी गुना करानी है हमें इससे यहां से वैल्यू कितनी आती है तीन माइनस का दो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आठ हजार एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है आठ हजार एक यूनिट की वैल्यू आठ हजार आई है तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था क्वेश्चन ने हमसे पूछा है शिव की मासिक आय क्या है शिव की आय क्या है मतलब दो यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है एक यूनिट की वैल्यू आठ हजार है तो दो यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी सोलह हजार दो यूनिट की वैल्यू कितनी आती है सोलह हजार इसकी मासिक आय कितनी है सिक्सटीन थाउजेंड सोलह हजार ये तो हमने किया है क्रॉस मल्टीप मल्टीप्लीकेशन से दूसरा जो हमारे पास में मेथड रहता है जिसमें हम रेशो से करेंगे वो वाला कैसे करेंगे उसको और देखते हैं रेशो से सेम क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे यहाँ पे नोट कर लेते हैं ये था आर ये है एस ये है इनकी आय और ये है इनका वे है ना आय कितनी दे रखी है इनके देखो वन रेशो टू वन रेशो और ये क्या था वन ना और इनकी बचत कितनी आएगी यहाँ पर दे रखिए चार बाद में देखेंगे बचत को यहाँ पे देखो आई भी एक है वह भी एक है यहाँ पे हम लोग रेशियो को इक्वल करेंगे रेशियो को बराबर करेंगे कैसे रेशियो को बराबर करेंगे देखो इनके अंदर जितने का अंतर है कितने का अंतर है दो का उसकी गुना कराएंगे यहाँ पर इनमें जितने का अंतर है कितने का अंतर है एक का उसकी गुना कराएंगे हम यहाँ पर रेशो क्या बनेगा देखो ऐसे गुना कराने से रेशो क्या बनेगा हमारे पास में दो की एक से कराएंगे दो दो दुनी चार है ना यहाँ से कितना आएगा एक रेशो तीन ये है आय ये है वे है ना दो रुपए कमा के लाया है एक रुपया उसमें से खर्च कर दिया बचेगा कितना एक सेम उधर देखो चार रुपए कमाए हैं तीन खर्च कर दिए बचेंगे कितने उसके पास में एक ये था आर का ये था एस का उनकी बचत कितनी आई है वन रेशो वन उनकी बचत कितनी आई है वन हमारे अकॉर्डिंग बचत कितनी है चार हजार की इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी चार हजार क्वेश्चन ने पूछा है शिव की मासिक आय क्या है शिव की मासिक आय कितनी है ये था ना आय का स्लोट आय कितनी है उसकी चार की एक यूनिट की वैल्यू चार है चार यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी सोलह हजार यानी कि ऑप्शन नंबर ए दो मेथड्स थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और दूसरा था हमारे पास में रेशो वाला दोनों मेथड से हमने क्वेश्चन को देखा है जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं है ना रेशो वाला मेथड ये है इस टाइप के क्वेश्चंस में काम आएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड जो है ये हमारे पास में उसके इसमें भी काम आएगा जब इनकी इनकम अलग अलग दे सॉरी इनकी जो बचत है वो अलग अलग दे रखी होगी किसी में मान लो अब सेम क्वेश्चन है इसने बोला है इसकी बचत चार है इसकी बचत मान लो तीन है उस टाइप के क्वेश्चन में रेशो मेथड काम नहीं आएगा वहां पे हमें किससे करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन पे आते है, fifth, देखो क्या दिया है? A, B, के वेतन का अनुपात के परसेंटेज अधिक, अधिक हमें निकालना है एबीसी तीनों की वैल्यू निकालते हैं देखो एबीसी तीनों की हम लोग यहां से वैल्यू कितनी आएगी फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है क्या क्या वैल्यूज हमें यहां पर दे रखी है फ्रैक्शन में है इसको कन्वर्ट करेंगे कितना है तीन बटे दो है ना तीन बटे दो आ रखी है यहाँ पर इसके बाद क्या है बी की कितनी दे रखी है हमें छह बटे पांच और सी की कितनी गिवन है सी की हमें कितनी दे रखी है चार बटे तीन है ना हम लोग डिनोमिनेटर को हटाएंगे मतलब नीचे जो वैल्यू है इनको हटाएंगे कैसे हटाएंगे डिनोमिनेटर का एल्सियम लेंगे और सबके साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे वैल्यू देखो कितनी आती है यहाँ से इनका डिनोमिनेटर का एल्सियम कितना आएगा तीस ले लें यहाँ से थर्टी यहाँ पे थर्टी यहाँ पर थर्टी यहाँ पर है ना वैल्यू देखो कितना आएगा पंद्रह दी है पैंतालीस तो आती है ए की वैल्यू पाँच से जाएगा छः पे छत्तीस आती है हमारे पास में बी की वैल्यू और तीन से जाएगा दस पे यानी कि चालीस आती है हमारे पास में सी की वैल्यू अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है ए और बी का वेतन मिलकर चालीस है ए और बी का वेतन मिलकर के कितना है हमारे अकॉर्डिंग कितना है पिचासी क्वेश्चन ने कितना दिया है कितना दे रखा है चालीस हजार है. है ना ए का वेतन सी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है सबसे पहले यहां की वैल्यू निकालते हैं या फिर सीधा ही निकाल सकते हैं देखो इसने पूछा है ए का वेतन जो है ए का वेतन सी के वेतन से कितना अधिक है सी के वेतन से कितना अधिक है पांच अधिक है किसके वेतन से सी के वेतन से मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंटेज में वैल्यू पूछ रखी है चार से कितने पर जाएगा दोनों दो से जाएगा पांच पे पच्चीस बटे दो यानी कि साढ़े बारह बारह कितना अधिक है, है पांच तो सौ टोटल वैल्यू दे रखी है इसकी कोई जरूरत नहीं थी यहां पर परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ रखा है परसेंटेज में ही हम वैल्यूज को उठाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स इसमें देखो क्या दिया है इसने बोला है आ, अरेन्ज द गिवन रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर अनुपात दे रखे हैं क्या क्या है पंद्रह सात यानी कितना है पांच बटे में ग्यारह और यहाँ कितना दे रखा है इक्कीस बटे में सतहत्तर सबसे पहले तो इसको स्मोलेस्ट फॉर्म में करते हैं इसको लिखेंगे सात या इक्कीस सात से जाएगा ग्यारह पे है ना डिनोमिनेटर को हटाएंगे कैसे हटाएंगे इसके एल्सियम से मल्टीप्लाई करा के एल्सियम कितना आता है ग्यारह और सात का एल्सियम कितना आएगा सतहत्तर यहाँ पर भी हम यहां पर भी हम लोग 77 से मल्टीप्लाई कराएंगे इधर भी और इधर भी वैल्यू देखो कितनी आती है है ना सात से जाएगा ग्यारह पे कितना आएगा पांच और एक छन सिक्सटी फाइव आएगा हमारे पास में इधर से यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है ग्यारह से जाएगा सात सात पाँच पैंतीस इधर से देखो कितना आएगा ग्यारह से सात सात या इक्कीस है ना तीनों की वैल्यू हमारे पास आई है एक सौ पैंसठ पैंतीस इक्कीस में अरेंज करने थे हमें अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा फिर सबसे उससे छोटा चो, फिर छोटा यानी कि इसमें इस डिसेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखे थे पंद्रह बटे आएगा पहले उसके बाद आएगा पांच बटे ग्यारह पांच बटे ग्यारह और उसके बाद आएगा इक्कीस बटे सतहत्तर आंसर क्या आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंथ इसमें देखो क्या दिया है द मेन प्रोपोर्शन ऑफ हमें क्या निकालना है मेन प्रोपोर्शन निकालना है मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में अंडर रूट ए बी अंडर द रूट ए बी है ना वैल्यू देखो कितनी आएगी यहां से ये है पूरा ए और ये पूरा दे रखा है बी है ना अंदर से देखो कितना आएगा अंडर द रूट ए कितना है ए माइनस बी की क्यूब यहां कितना है ए प्लस में बी की क्यूब और इन टू में बी कितना दे रखा है ए माइनस में बी और फिर क्या है ए प्लस में बी है ना मल्टीप्लाई कराएंगे तो पावर कितनी हो जाएगी चार अंडर द रूट क्या लिखेंगे ए माइनस बी की पावर चार और यहां पर क्या लिखेंगे ए प्लस बी की पावर चार है ना रूट से पावर बाहर आएगी बचेगा कितना ए माइनस बी का स्क्वायर और यहां पर क्या आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आंसर कितना आएगा हमारे पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आंसर कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने राम ने अपने साप्ताहिक वेतन का इतना किराए पर और शेष का इतना भाग भोजन पर खर्च किया जबकि चालीस रुपए अन्य खर्चों के लिए उपलब्ध था राम का साप्ताहिक वेतन कितना है उसका साप्ताहिक वेतन कितना है हम लोग मान लेते हैं चौबीस है है ना ऐसी वैल्यू मानते हैं जिससे ये वाले जो वैल्यू है इजीली घट जाए चौबीस uh, नहीं कर लेते हैं देखो एक्स मान के कैसे करेंगे मान लेते हैं उसका साप्ताहिक वेतन कितना था एक्स था उसने क्या किया पांच बटे आठ भाग जो है खर्च कर दिया इसका कितना खर्च कर दिया पांच बटे आठ तो बचेगा कितना तीन बटे आठ जो टोटल उसका वेतन था उसका तीन बटे आठ भाग उसका बच गया और शेष का एक बटे तीन भाग भोजन पर खर्च किया जो ये शेष अमाउंट है इसका एक बटे तीन खर्च कर दिया बचेगा कितना दो बटे तीन और अभी भी उसके पास में कितने रुपये बचे हैं चालीस रुपये बचे हैं जो वो अन्य खर्चों पर खर्च कर सकता है राम का वेतन कितना है बराबर किसके आएगा चालीस के वैल्यू देखो कितने पे जाएगी दो से बीस पे तीन से तीन x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 160 सिक्सटी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 160 उसका साप्ताहिक वेतन कितना है एक सौ साठ रुपए ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन्थ इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने देखो एक्स और वाई की मासिक आय इतने के अनुपात में है है ना ये है एक्स ये है हमारे पास में वाई इनकी आय हमें दे रखी है इनकी सैलरी गिवन है नाइन रेशो सेवन में इनका क्या दे रखा है नाइन रेशो सेवन के अनुपात में है जबकि उनके मासिक खर्च पांच रेशो तीन है खर्च कितना दे रखा है पांच रेशो तीन दे रखा है आगे देखो क्वेश्चन ने बोला है यदि सोलह हजार चौदह हजार की मासिक बचत की इसकी इसकी बचत बचत कितनी है सोलह हजार और सैलरी तो में, में, में हमें डिफरेंस निकालना है इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जब भी हमें बचत में अलग अलग वैल्यू दे रखी हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड से देखो कितना आएगा यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या बोलती है इन दोनों की मल्टीप्लाई 70000 माइनस में यहां से कितना आएगा 14 16 3 48000 आएगा यहां से बराबर किसके है देखो 9 तिया 27 और 7 5 35 के वैल्यू कितनी आती है यहां से हमारे पास में 50 कितना 42 है ना कितना आएगा 50 और कितना बोल सकते हैं दो यहां से 22 आएगा हमारे पास में यहां से बाईस हजार आएगा यहां से इधर कितना बचता है पांच तीन आठ है ना यहाँ से वैल्यू कितनी बचती है हमारे पास में सत्ताईस चौदह पांच सत्तर माइनस का सोलह तिया अड़तालीस कितना बचेगा यहाँ से पचास बाईस हजार और वैल्यू कितनी आती है इधर से सातिया इक्कीस सात पाँचे पैतीस सातिया इक्कीस आएगा नौ तिया सत्ताईस और सात पांच पैंतीस ठीक है वैल्यू कितनी आएगी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में बाईस हजार बाई में कितना है आठ है है ना वे इसको आ, चार से काटे तो देखो चार से जाएगा पच्चीस पे चार दूनी आठ दो से कितने पे जा रहा है वन वन जीरो आंसर कितना आएगा पांच पांच दो सात और दो और यहां से कितना आएगा जीरो आंसर कितना आता है हमारे पास में सत्ताईस सौ पचास एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा है उनकी मासिक आय में अंतर कितने का है मासिक आय में अंतर कितने का है देखो आई ये थी ना अंतर कितने का है दो यूनिट का कितने यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है दो यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है कितनी आएगी यहाँ से सात दुनी चौदह पंद्रह दो दुनी चार और एक पांच कितना अंतर है पांच हजार पांच सौ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेंथ इसमें देखो क्या दिया है इसने बोला है किसी वाहन के ईंधन की खपत में परिवर्तन उसके वजन के व्युत कर... ुपाती है मतलब उसके उल्टा है तीन हजार आठ सौ पाउंड वजन वाली कार हाईवे पर पच्चीस की खपत करती है है ना जब एक ऐसी कार की ईंधन खपत ज्ञात कीजिए जिसका वजन इतना पाउंड है देखो क्या दिया है हमें 3800 पाउंड वाली जो है 3800 पाउंड की जो है उसकी खपत कितने की है उसकी खपत कितने की है 25 की है ना निकालना क्या है यहां से एक पाउंड की वैल्यू कितनी आएगी एक पाउंड की वैल्यू कितनी आएगी 25 बटे 3800 और पूछी किसकी है वैल्यू किसकी पूछ रखी थी चार हजार सात सौ पचास वैल्यू किसकी निकालनी है चार हजार सात सौ पचास पाउंड की है ना यहां से वैल्यू देखो कितनी आएगी 25 से कितने पे जाएगा चार पे इसके अलावा देखो अगर हम लोग यहाँ से कराएं कितने पे जा रहा है हमारे पास में आठ और तीन आ, चार से दो से कर लेते हैं दो से कितने बिज आएगा दो दुनी चार दो दुनी चार दो ती छोत चौदह दो, दो पांच दस इसके अलावा देखो कितना बचता है पॉइंट में आएगा आंसर ऊपर कितना आ रखा है हमारे पास में तेईस सौ पिछहत्तर नीचे कितना है आठ दूनी सोलह तीन दूनी छह है ना और यहां से कितना आएगा छिहत्तर नीचे कितना आ रखा है छिहत्तर ऊपर कितना है तेईस बटे में छिहत्तर एक बार दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन ने क्या बोला है वाहन के किसी वाहन के ईंधन की खपत उसके वजन के व्युत व्युत है रेसिप्रोकल दे रखी है देखो रेसिप्रोकल दे रखी है कैसे करेंगे इसको रेशियो के फॉर्मेट में करते हैं रेशियो के फॉर्म में कैसे करेंगे क्वेश्चन को मान लेते हैं इनका जो वजन है वजन कितना दे रखा है वजन हमें दो दे रखे हैं एक को मान लेते हैं एक्स वाला दूसरी वाली है वाई कितना दे रखा है अड़तीस सौ और दूसरा कितना आएगा यहां से वैल्यू कितनी है अड़तीस सौ की और दूसरी कितनी है फोर सेवन फाइव जीरो है ना वैल्यू देखो यहां से काटे तो कितने पे जाएगा हमारे पास में पांच सात पैंतीस छ और कितना बचेगा पांच दिन पैंतालीस पांच पच्चीस उन्नीस से जाएगा चार पे ये कितने पे जाएगा पांच पे वजन हमारे पास में कितना आया है चार रेशो पांच खपत जो है वो वजन की उल्टी है मतलब यहां पर कितना आएगा पांच रेशो चार हमारे अकॉर्डिंग खपत कितने की आती है पांच रेशो चार की क्वेश्चन ने बोला है खपत कितने की है पच्चीस एम ना पांच वाले की खपत कितने की दे रखी है पच्चीस की इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ यहां पर एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है पांच एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है पांच दूसरे वाली हमें निकालनी है यानी कि चार यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में पांचों के बीस आंसर कितना आएगा हमारे पास में बीस यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ देखो क्या दिया है किशोर के पास इतने रुपए की एक कीमत का मानिक्य था इसे अपने एक मित्र को दिखाते समय यह नीचे गिर गया और चार टुकड़ों में टूट गया जिसका वजन इतने के समानुपाती है अब जो वजन है वो इतने के रेशों में टूट गया प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के घन के अनुक्रमानुपाती है मानिक्य के गिरने और टुकड़े टुकड़े हो जाने से किशोर को कितने की हानि हुई निकालनी क्या है हमें वैल्यू किसकी लॉस वाली उसको कितने रुपए का लॉस हुआ हमें वो वैल्यू यहां से निकालनी है इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो इसने क्या दे रखा है हमें वजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो कीमत है क्या बोला है कीमत जो है वो वजन के कीमत जो है वो वजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वजन की क्यूब के है ना वजन के घन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें दे रखा है वजन कितना आएगा यहाँ से देखो तीन दो पांच दो सात और एक आठ है ना वजन कितना आता है हमारे पास में यहाँ से पांच तीन आठ दो दस और एक ग्यारह वजन कितना है ग्यारह यूनिट कीमत कितनी आएगी हमारे पास में ग्यारह की क्यूब कितनी होगी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ग्यारह की क्यूब के बराबर है ग्यारह की क्यूब कितनी आएगी वन है ना क्या आएगी हमारे पास में कीमत और क्वेश्चन ने कीमत क्या दे रखी है क्वेश्चन ने कीमत दी है 63888 हमारे अकॉर्डिंग कीमत कितने की आई है 1331 की इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ 1331 जो है ये बराबर आएगा किसके 6388 के इसका मतलब क्या हुआ यहां से काट के निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 48 यहां से हम लोग निकालेंगे एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 48 इसके बाद देखो क्या बोला था क्वेश्चन ने और बाद में क्या हुआ प्रत्येक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के इतना दे रखा है मानी के गिरने और टूटने जाने से किशोर को कितने की हानि हुई है अब क्या आता है उसका देखो अब जो कीमत आएगी वो कितनी आएगी यहां से अगर हम लोग निकालें इसके क्यूब वन की क्यूब प्लस में यहां से कितना है दो की क्यूब तीन की क्यूब और फिर क्या दे रखा है पांच की क्यूब है ना वैल्यू देखो वन तो यहाँ से आठ और यहाँ से कितना सत्ताईस और पांच की कितनी एक सौ पच्चीस सात पांच बारह बारह और आठ बीस और एक इक्कीस कैरी दो, दो दो चार दो और एक कितना आता है हमारे पास में एक सौ इकसठ यहाँ से वैल्यू कितनी आती है एक सौ इकसठ की ऊपर कितनी आ रही थी हमारे पास में ऊपर वैल्यू कितनी आ रही थी यहां से देखो वन थ्री थ्री वन तेरह सौ इकतीस यहाँ पे आ रही थी पूछा है उसको कितने का लॉस होता है कितने की हानि होती है पहले वैल्यू थी वन थ्री थ्री वन अब कितने की है वन सिक्सटी वन की है ना लॉस कितने का हुआ है उसको उसको लॉस कितने का हुआ है यहाँ पे देखो लॉस कितने का हुआ है सात यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में वन वन सेवन जीरो कितने का लॉस हुआ है वन वन सेवन जीरो का उसको लॉस हुआ है इतने यूनिट का लॉस हुआ है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है एक यूनिट की वैल्यू कितनी है अड़तालीस तो इतनी यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में देखो जीरो एज इट इज आठ सातों छप्पन यूनिट डिजिट पर हमें क्या देखने को मिलेगा साठ आंसर क्या आएगा हमारे पास में इकाई के अंक पर कितना देखने को मिलेगा सिक्स और जीरो आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी आंसर कितना आएगा छप्पन हजार ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है रवि और सुमित के वेतन का अनुपात इतना है रवि है आर से सुमित है एस से और उनका वेतन हमें दे रखा है उसका रेशियो कितना है फोर रेशियो फाइव इसने बोला है यदि उनमें से प्रत्येक के वेतन में छह हजार की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का नया अनुपात पैंतीस ओल्ड जो था पुराना और ये वाला आएगा नया वाला जो वेतन है पैंतीस रेशो चालीस है पैंतीस रेशो चालीस को क्या लिख सकते हैं सात रेशो आठ है ना सात रेशो आठ हो गया सुमित का भरा हुआ वेतन ज्ञात करें भरी हुई वैल्यू निकालनी है इसमें देखो कितना आएगा हमारे पास में चार से सात तीन पाँच से आठ तीन कितनी वैल्यू बढ़ी है रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं देखो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कितना आएगा पाँच से जाएगा सात पे और ये कितने पे जाएगा आठ पे इसको यहाँ पे कर देते हैं सात रेशियो आठ है ना क्वेश्चन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है सात से चार से सात और पाँच से आठ कितने यूनिट बढ़ा है तीन यूनिट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ा है तीन यूनिट और

सोलह हजार यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है ए और बी के वेतन का अनुपात इतना है लिख लेते हैं देखो ए रेशो बी इनके वेतन का अनुपात हमें गिवन है इनके वेतन का रेशो कितना दे रखा है छह रेशो सात हमें दे रखा है आगे क्या दिया गया है यदि बी के वेतन में साढ़े पांच परसेंट की वृद्धि की जाती है है ना बी के वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है सात इसको सत्तर मान लेते हैं इनको हम लोग साठ या फिर छह और सात मान लेते हैं 600 और 700 हम लोग मान लेते हैं साढ़े पांच परसेंट की वृद्धि की जाती है देखो साढ़े पांच को क्या लिख सकते हैं पांच प्लस में हाफ ये लिख सकते हैं पांच परसेंट देखो इसका दस परसेंट कितना आएगा सत्तर तो पांच परसेंट कितना होगा पैंतीस। पांच परसेंट कितना होगा पैंतीस और हाफ परसेंट एक परसेंट की वैल्यू कितनी है सात एक परसेंट की वैल्यू है सात तो हाफ कितना हो जाएगा तीन पॉइंट पांच अब वेतन कितना बड़ा है पैंतीस और तीन अड़तीस पॉइंट पांच अब कितना बड़ा है सात 738.5 इधर देखते हैं इधर वैल्यू देखो कितनी दे रखी है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है इतने क्या बोला है यदि बी के वेतन में इतने की वृद्धि होती है तो उसका कुल वेतन इतना हो जाता है ए का वेतन ज्ञात करें ए का वेतन हमें बताना है देखो टोटल वेतन उसका कितना हो रखा है हमारे पास में चौदह सो सौ और क्वेश्चन ने कितना बोला है एक लाख हजार सात सौ क्वेश्चन ने कितना बोला है एक लाख सैतालीस हजार कितना सात सौ हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है चौदह हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है चौदह सो अड़तीस पॉइंट पांच पॉइंट हटेगा ऊपर जीरो यहां से एक यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग कितनी आएगी हमारे पास में वैल्यू यहाँ से कटे तो नहीं गए यहां से क्या बोला है क्वेश्चन ने इतने की वृद्धि हो जाती है तो कुल वेतन इतना हो जाता है ये हमने कुल वेतन ही तो निकाला है उसका अब वाला वेतन कितना हो जाता है उसका अब वाला कुल वेतन इसको बोला है जो उसका अब वाला वेतन है इसको कुल वेतन बोल रखा है है ना जो उसका एट प्रेजेंट जो वेतन है उसको कुल वेतन बोल रखा है वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहां से वैल्यू कितनी आएगी सेवन पॉइंट में फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट के नाम की लगाते हैं ऊपर एक जीरो है ना पांच से कितने पे जाएगा दो पे चला जाएगा कितना आएगा देखो पांच दूनी दस आठ दुनी सोलह सत्रह तीन दूनी छह और एक सात यहाँ से कितना आएगा चौदह सात सात जीरो कितने पे जाएगा यहां पे दो पे और दो आएंगी जीरो एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है दो सौ पूछा क्या है ए का वेतन कितना है छ सौ यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है छह सौ यूनिट की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में बारह के चार जीरो आंसर कितना आएगा हमारे पास में एक लाख बीस हजार आंसर आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने पांच वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात इतना था उनकी वर्तमान आयु का योग एक सौ वर्ष है पांच साल पहले ए बी सी की बात हो रही है ए बी सी का कितना था फोर रेशो फाइव रेशो सेवन है ना पाँच साल पहले उनकी वर्तमान आयु का योग एक सौ पैंसठ वर्ष है सॉरी एक सौ पैंतीस वर्ष है प्रेजेंट में दे रखा है पाँच वर्ष पूर्व ले जाए इसको ए को भी पाँच वर्ष पूर्व लेके चलते हैं बी को भी सी को भी मतलब टोटल कितना पंद्रह साल कम करना पड़ेगा टोटल हमें कितना कम करना पड़ेगा टोटल हमें पंद्रह साल कम करना पड़ेगा यहां से कितना आएगा हमारे पास में एक वर्ष अब से तीन वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा बाद में निकालेंगे सबसे पहले देखो इनकी जो पांच साल पहले की एज थी उसका रेशियो ये है और उसका टोटल हमारे पास में यहां से ये वैल्यू आ रखी है सात पाँच बारह और चार कितना सोलह यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में पाँच चार नौ और सोलह हाँ सोलह यूनिट की वैल्यू कितनी है एक सौ बीस सोलह यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है एक सौ बीस दे रखी है पूछा क्या है बी और सी की आयु का योग क्या होगा यहाँ से अगर हम लोग एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो देखो कितना आता है पांच साल पहले ही दे रखा था ना पांच जाएगा जीरो से दो में तीन में से गया दो जीरो पे कितना आएगा एक ठीक है यहाँ से देखो कितना आता है हमारे पास में चार चौक सोलह चारतीय बारह और जीरो यहां से कितना आता है दो दुनी चार दो से जाएगा पंद्रह पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी है पंद्रह बटे दो यहां से वैल्यू देखो कितनी आती है पंद्रह बटे दो गुना में चार यहाँ से कितने पे जाएगा हमारे पास में पंद्रह तो से यहां पे कितना आएगा बटे की किस्से करानी है पांच से पंद्रह पांच पिछेतर बटे में दो और इधर से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में पंद्रह बटे दो की किस्से करानी है सात से पंद्रह सात एक सौ बटे में दो वैल्यूज़ को निकालते हैं देखो पूछा क्या था अब से तीन वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग क्या होगा बी और सी की आयु का योग हमसे पूछ रखा है पंद्रह बटे दो ठीक है अब से तीन साल बाद बी और सी की आयु का योग बी प्लस सी की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी आएगी टोटल कितनी आएगी यहाँ से बी की कितनी आ रखी हमारे पास में पिचहत्तर बटे दो और सी की कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास में 105 बटे में दो टोटल कितना आएगा 105 सौ बटे दो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है नब्बे बी और सी की जो एज है पांच साल पहले उसका टोटल कितना आता है हमारे पास में नब्बे क्वेश्चन ने पूछा है अब से तीन वर्ष बाद उसकी तीन वर्ष बाद एज कितनी होगी देखो नब्बे तो अभी है नब्बे तो अभी है उसको पांच साल आगे लेके जाएंगे प्रेजेंट में आएगा पांच साल तो वो प्लस में तीन साल और आगे पूछ रखे मतलब टोटल पांच और तीन आठ साल उसको आगे खिसकाना है आठ साल ए आगे आएगा आठ साल जो है बी आगे आएगा टोटल कितनी होगी आठ और आठ सोलह है ना नब्बे तो है उनकी टोटल कितनी और जुड़ेगी उसके अंदर सोलह आंसर कितना आएगा हमारे पास में एक आंसर कितना आएगा वन ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर पंद्रह इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने ये देखते कि धनराशि को तीन हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का चार गुना पहले हिस्से का मान लेते हैं ए का चार गुना दूसरे हिस्से के पाँच गुने दूसरे हिस्से के कितना पाँच गुना और तीसरे हिस्से के सात गुने के बराबर है तीसरे हिस्से के सात गुना के बराबर है पूछा क्या है पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर कितना है ये हमारे पास में एक फॉर्मेट बना है क्वेश्चन का जो हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था जब उसकी स्टार्टिंग में कुछ पाँच से छः की पॉइंट्स थे उनको नोट किया था वहां पर देखा था जब इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है ए बी सी की यहां से वैल्यू कैसे निकालनी है देखो ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे ए के ए को छुपा लो बची हुई की मल्टीप्लाई सात पांचे पैंतीस बी की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास में सात चौक अट्ठाईस और सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में पांच चौके बीस ए बी सी की वैल्यू आ गई पूछा क्या था क्वेश्चन ने पहले और दूसरे हिस्से के बीच का अंतर कितना है है ना देखो टोटल हमारे पास कितना आता है आठ और पांच तेरह दो दो चार तीन सात और एक आठ तेरासी हमारे पास में टोटल है क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है छः दो, दो पांच क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यूनिट यहाँ से वैल्यू कितनी है बासठ पैंसठ छः हजार दो सौ पच्चीस हमारे पास कितनी आई है तेरासी आई है क्वेश्चन ने पूछा है पहले और दूसरे के बीच का अंतर कितने का है पहले और दूसरे के बीच में अंतर कितने का है सात का कितने का अंतर आ रखा है सात का इसका मतलब देखो सिक्स टू टू फाइव बाय में एटी थ्री करेंगे एक यूनिट की वैल्यू आएगी और फिर कितनी यूनिट की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रखी है सात यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है किससे जाएगा देखो तीन से पांच पांच पे ही जाएगा आठ पाँचे चालीस है ना तेरासी दे रखा है हमें आठ पाँचे चालीस चार सौ कुछ आएगा इससे पहले करते देखो छः से, से कितने पे जा रहे आठ से कितने पे आठ आठ छप्पन आठ ने निमे तिरसठ आठ से जाएगा है ना आठवा छप्पन आठ से कितने पे जाएगा आठ या चौबीस आठवा चौसठ और पैंसठ छियासठ सिक्स सिक्स फोर सात पे जा रहे हमारे पास में पहले किस पे जाएगा सात पे कितने पे जाएगा सात टू आठू छप्पन और फिर फाइव एटी वन है ना अगर हम इसको 581 यानी कि 19 तो आएगा ये और 22 था हमारे पास में ये 9 और कितना 11 दो तीन चार इकतालीस और एक आएगा पांच कितने पे जाएगा हमारे पास में पांच 5 से पांच थे पिछहत्तर गुना सात कितने पे कट रहा है हमारे पास में सेवेंटी पे आंसर कितना आता है सात पांच पैतीस सातों सातों और तीन बावन आंसर कितना आएगा हमारे पास में पांच आंसर कितना आता है फाइव 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 ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इसमें देखो क्या दिया है इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात चार रेशो पांच है है ना ये है ए भाई साहब ये है बी ये है इनकी आय इनकी सैलरी कितना दे रखा है चार रेशो पांच है और उनके व्ययों का अनुपात यानी कि खर्च का अनुपात जो दे रखा है वो कितना दे रखा है हमें दो रेशो तीन है आगे देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है यदि ए और बी कर्मशह इतने और इतने की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी है बचत कितनी दे रखी है बेहतर सो की तो ये करता है बेहतर सो की बचत तो हमारे पास में ए करता है और दूसरा जो दिया है वो कितने की करता है छः हज़ार की बचत जो है ये करता है बचत यहाँ पर दे रखी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हम लोग वैल्यूज निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड लगा के वैल्यूज़ निकालेंगे देखो कितनी आएगी छः इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा हमारे पास में छः दुनी बारह हजार आएगा यहाँ से माइनस का इसकी इससे कराएंगे कितनी आएगी तीन दुनी छः सात तिया इक्कीस है ना और आएंगी दो जीरो और किसके बराबर है चार तीय बारह माइनस का पांच दुनी दस वैल्यू कितनी आएगी दो तो यहाँ से आएगी हमारे पास में इसके अलावा देखो कितना है इक्कीस छः सौ और यहाँ पर कितना है बारह हज़ार वैल्यू कितनी आएगी देखो यहाँ से छः सौ ग्यारह में से दो नो किसके बराबर आएगी नाइन सिक्स जीरो जीरो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है दो चौके आठ दो आठ सोलह जीरो जीरो है ना एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी अड़तालीस सौ एक यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछा था एक की आय कितनी है एक की आय हमें कितनी दे रखी है देखो ए की आय कितनी है चार क्वेश्चन ने चार यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है आठ चौक बत्तीस चार चौक सोलह और तीन कितना उन्नीस यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में उन्नीस हजार दो सौ एक ही आय कितनी है उन्नीस हजार दो सौ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इसमें क्या दिया गया है एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं हैं कि एक्स के तीन परसेंट और वाई के दो परसेंट का योग एक्स के दो परसेंट वाई के छः परसेंट के योग के दो तिहाई है फिर से देखो इसने जो भी बोल रखा है हम लोग सब कुछ नोट करेंगे क्या क्या बोला है एक्स और वाई दो ऐसी संख्याएं हैं एक्स के तीन परसेंट एक्स का तीन परसेंट और क्या दिया है वाई के दो परसेंट का योग वाई के दो परसेंट का योग जो है वो किसके बराबर है एक्स के दो परसेंट एक्स के दो परसेंट और y के 6% के के योग के कितना दे रखा है दो तिहाई के बराबर है इसका कितना आएगा हमारे पास में टू बाई थ्री के बराबर है यहां से हमारे पास में इक्वेशन बन गई सोल्व करेंगे x और y की यहाँ से वैल्यू सोल्व करते है. देखो कितनी आएगी यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में देखो तीन तिया नो एक्स तो बनेगा इधर से है ना प्लस का कितना तीन दुनी छ वाई आएगा यहाँ से चार एक्स आएगा यहाँ से छ दुनी बारह वाई आएगा हमारे पास में यहां से कितना बचेगा पांच एक्स यहाँ से कितना छे वाई बोल सकते हैं हम लोग एक्स की वैल्यू कितनी आएगी छे और वाई की वैल्यू कितनी आएगी पांच एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में यहां से एक्स की वैल्यू ये छे है और वाई की वैल्यू कितनी है पांच है क्वेश्चन ने पूछा क्या है एक्स के तीन गुना वाई के दो गुना एक्स का करना है तीन गुना वाई का करना है दो गुना यानी कि अट्ठारह रेशो दस इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है यहां से काट के कितना आएगा नाइन रेशो फाइव आंसर कितना आएगा हमारे पास में नाइन रेशो फाइव ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर एटीन इसमें क्या है इसने बोला है जब तेतालीस अड़तीस ग्यारह दस प्रत्येक में से एक्स को घटाया जाता है है ना? तो इस तरह से प्राप्त संख्याएं अनुपा अनुपातिक होती हैं जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो क्या कि चार संख्याएं हैं सब में से सेम डिजिट सेम डिजिट कुछ भी ले सकते हैं एक्स ले सकते हैं वाई ले सकते हैं सेम डिजिट को सब्रैक्ट किया जाता है उसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो अनुपातिक हो जाएंगी इस टाइप के क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे सोल्व करना है देखो चार संख्याएं हैं इनको सीरीज में उतारना है तैतालीस अड़तीस ग्यारह और फिर कितना आएगा दस सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले क्या करना है देखो इन बाहर वालों की गुना करानी है उसमें से सपरेट कराना है अंदर वालों की गुना करके कितना आएगा हमारे पास में देखो वैल्यूज ती, चार सौ तीस तो आएगा यहाँ से उसमें से सपरेट करानी है इन दोनों की गुना आठ और तीन और कितना आएगा 418 सौ अट्ठारह यहाँ से कितना आएगा 418 सौ अट्ठारह अब नीचे क्या लेके आना है सेम जो वैल्यू है ना इनका पेयरिंग तो ऐसे ही रहेगा बाहर वाली दोनों अंदर वाली दोनों लेकिन नीचे क्या आएगा दोनों को जोड़ करके माइनस कराना है यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में 43 प्लस दस में से घटाना है क्या अड़तीस प्लस का ग्यारह वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में 12 तो बचेगा ऊपर नीचे कितना आएगा 53 माइनस का कितना 49 नीचे कितना आता है फोर कितने पे जाएगा थ्री पे कितने पे जाएगा थ्री पे एक्स की वैल्यू कितनी आती है तीन वह संख्या जो इनमें से घटाई जाती है वो कितनी है तीन है क्वेश्चन ने पूछा है ये क्वेश्चन ने क्या पूछा है ग्यारह एक्स ग्यारह और तीन कितना आएगा छत्तीस और क्या दिया है नाइन 9x एक्स माइनस का टू 9 या 27 में से दो जाएगा पच्चीस है ना छत्तीस और पच्चीस के बीच मध्य अनुपाती क्या है मेन प्रपोर्शन हमें निकालना है मेन प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अंडर द रूट ए बी है ना <coughs> अंडर द रूट छत्तीस गुना पच्चीस आंसर कितना आएगा छ पांजे तीस आंसर कितना आएगा हमारे पास में थर्टी थर्टी यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है एक अधिकारी और एक कलर का मासिक वेतन इतने के अनुपात में है है ना अधिकारी को मान लेते हैं ए से है, है कलर्क को मान लेते हैं सी से है रेशो कितना है ग्यारह रेशो चार है यदि अधिकारी के मासिक वेतन में सात हजार और कलर के वेतन में तीन हजार की वृद्धि होती है तो अनुपात उन्नीस रेशो सात हो जाता है रेशो कितना हुआ उन्नीस रेशो सात कितने की क्या वृद्धि होती है अधिकारी के वेतन में सात हजार की अधिकारी के वेतन में कितने की हुई है सेवन थाउजेंड की और इधर कितना दे रखा है कलर्क के वेतन में कितने की हुई है तीन हजार की यहाँ पे कितना आएगा थ्री के है ना इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करते हैं किसमें आय व्यय और खर्च वाले क्वेश्चन है ना जिसमें आय दे रखी हो व्यय दे रखा हो यानी कि खर्चा और बचत दे रखी हो उस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें बचत अलग-अलग दे रखी हो सेम फॉर्मेट यही बनता है उन क्वेश्चंस में और इस वाले क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किसकी किसकी गुना करानी है यहां से देखो हमारे पास में यहां से कितना आते हमारे पास में 57 के और इसमें से सबट्रैक्ट कितना होगा सातु-सातु 49 के और यहां से वैल्यू कितनी आएगी देखो यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में सब आ, इसकी इससे करानी है माइनस में इसकी ग्यारह सातें सतहत्तर और यहां से कितना आएगा हमारे पास में यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में सेवेंटी सिक्स है ना यहाँ पे देखो कितना आता है वैल्यू कितनी बचेगी यहाँ से आठ के और यहाँ पे कितना आएगा एक इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आठ हजार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है एट के हमने लगाया है थाउजेंड वाला मतलब आठ हजार आगे देखो क्वेश्चन ने बोला है अधिकारी का प्रारंभिक वेतन क्या था अधिकारी का निकालना है अधिकारी का निकालना है प्रारंभिक वेतन मतलब ग्यारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू आठ हजार है ग्यारह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में ग्यारह यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठासी हजार अट्ठासी हजार यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसने बोला है रामू और सोमू की मासिक आय का रेशो ये है उनके व्यय का रेशो ये है है ना रामू और क्या दे रखा है रामू और सोमू ये है रामू ये है सोमू ये दे रखा है आय है और ये आएगी इनके हमारे पास में व्यय है आय का रेशो क्या दे रखा है इसने दिया है छ रेशो पांच है छ रेशो पांच है और व्यय का रेशो कितना है सात रेशो आगे देखो क्या है महीने के अंत में रामू और सोमू इतने इतने की बचत करते हैं बचत कितनी दे रखी है इसकी है पंद्रह सो की और इसकी कितनी आएगी हमारे पास में एक हजार की ये क्या है बचत है अभी जो क्वेश्चन किया था अभी जो क्वेश्चन किया था जहां हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यही क्वेश्चन का फॉर्मेट है है ना आए वे वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट उस क्वेश्चन में दे रखा था सेम आए वे वाले जिस क्वेश्चन की बात कर रहे थे वो वाला क्वेश्चन हमें यहां पर गिवन है सेम सॉल्व करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से कैसे देखो कैसे करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना सात हजार यहाँ से कितना आएगा पंद्रह छ के नब्बे नौ हजार बराबर किसके है देखो छत्तीस माइनस का पैतीस किसके बराबर आएगा हमारे पास में वैल्यू किसके बराबर आएगी हमारे पास में दो हजार है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है दो हजार क्वेश्चन है क्वेश्चन ने क्या पूछा है रामू की मासिक आय कितनी है रामू की मासिक आय रामू की आय मतलब की छ यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है छ यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बारह उसकी मासिक व्यय कितनी है उसकी मासिक आय सॉरी वह नहीं आय कितनी है बारह हजार मतलब ए की वैल्यू तो है सात ए की वैल्यू दे रखी है सात बी की वैल्यू दे रखी है पांच सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर ए और बी की वैल्यू पुट करनी है पुट करेंगे देखो ए की कितनी है सात सात पांच पैतीस प्लस में पांचों के बीस यहाँ पर कितना आएगा पैंतीस माइनस का बीस है ना नीचे तो आएगा हमारे पास में पंद्रह और कितना आएगा तीन दो पांच और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में पचपन पांच से तीन पे पांच से जाएगा ग्यारह पे आंसर कितना आएगा ग्यारह बटे तीन आंसर कितना आता है हमारे पास में इलेवन बाई थ्री ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने ए प्लस बी माइनस का सी और ये और ये इनका रेशियो दे रखा है ए माइनस बी सी माइनस बी और सी माइनस ए इसका रेशियो हमें निकालना है है ना सबको अगर हम जोड़ दें अगर हम सब वैल्यूज को जोड़ दें तो कितना आता है हमारे पास में यहां से आएगा ए प्लस का बी माइनस का सी प्लस का बी प्लस का सी और माइनस का ए प्लस का ए प्लस का सी और माइनस का बी यहां से कुछ कट रहा है तो देखते हैं देखो प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल माइनस का ए प्लस का ए कैंसिल इसके अलावा माइनस का सी है ये है प्लस का सी है ना बचता क्या है ए प्लस का बी प्लस का सी और यहाँ से टोटल वैल्यू कितनी आएगी पांच चार नौ और नौ अट्ठारह किसके बराबर है अट्ठारह के बराबर है ऊपर क्वेश्चन ने क्या दिया है ए प्लस बी माइनस का सी है ना ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस में सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने वैल्यू कितनी दे रखी है चार की यहां से वैल्यू अगर हम निकालें तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में बाइस कितने पे जाएगा ग्यारह पे ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है इलेवन ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आती है इलेवन आगे देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने ए प्लस बी की वैल्यू जो जैसे आई है ऐसे ही हम लोग और पुट करेंगे देखो अगर हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करें इसकी वैल्यू को अगर हम रखें तो कितना आएगा अगर हम लोग यहां पर उसकी वैल्यू को रखेंगे यानी कि a plus b plus c कितना है 18 और रखेंगे क्या b plus c minus का a है ना इसकी वैल्यू कितनी है पांच तो यहां से देखो क्या आएगा 2 (b c) अठारह और कितना तेईस बटे दो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में तेईस बटे में दो है ना इसको लिख सकते हैं हम लोग ग्यारह पॉइंट पांच इसके अलावा सेम हम लोग तीसरे वाली सिचुएशन को रखेंगे तीसरे वाली इक्वेशन क्या है ए प्लस सी माइनस का बी ए प्लस सी और माइनस का क्या दे रखा है बी इसकी वैल्यू कितनी है नो है ना बी से बी कैंसिल ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी सत्ताइस ए प्लस सी की वैल्यू कितनी आती है ए प्लस सी की वैल्यू आएगी सत्ताईस बटे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग तेरह पॉइंट पांच है ना इसको लिख सकते हैं तेरह पॉइंट पांच तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई तीनों वैल्यूज आ गई यहां से किसकी निकालेंगे ए माइनस बी की यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे देखो ए माइनस बी की है ना इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करा दे अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कराएं तो देखो कितना आएगा यहां से इसको यहां लिख ले साइड में इसको लिख लेते हैं a प्लस सी की कितनी है 27 बटे दो या फिर लिख सकते हैं 13.5 इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कराएं तो देखो कितना आएगा माइनस 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 है ना माइनस का भी से ये कैंसिल ए माइनस का सी तो आएगा यहां से और यहां पर कितना बचेगा हमारे पास में ए माइनस का सी नहीं सी माइनस का ए यहां पर क्या लेंगे सी माइनस का ए तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना और यहां से कितना आएगा जीरो पॉइंट पांच इसको लिख सकते हैं एक बटे दो सी माइनस ए की वैल्यू हमने निकाल ली ऐसे ही अगर हम इन दोनों को सब्ट्रेक्ट कराएं इन दोनों वैल्यूज को सब्टेक्ट कराएंगे तो देखो कितना आएगा ए प्लस सी में से बी माइनस का सी इसमें से क्या करना है बी माइनस का सी और वैल्यू कितनी है ग्यारह पॉइंट पांच यहां पर देखो सी से सी कैंसिल है ना क्या दे रखा था बी प्लस का सी है सॉरी यहां पे देखो निशान चेंज सी C से कैंसिल C माइनस का बी और यहां पर वैल्यू कितनी आएगी दो ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में टू इसके बाद तीसरी वैल्यू अगर हम निकालें इन दोनों को इक्वेट कराकर देखो ए प्लस बी दे रखा है ग्यारह और ए प्लस सी की वैल्यू कितनी दे रखी है तेरह पॉइंट पांच यहां से माइनस कराएंगे किसकी वैल्यू आएगी बी माइनस सी की बी माइनस सी नहीं सी माइनस बी बोलेंगे तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी सी माइनस बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 2.5 पॉइंट यहां से वैल्यू कितनी आती है 2.5 पॉइंट फाइव वैल्यू पुट करेंगे देखो कितना क्या जाता है सबसे पहले इसने बोला है a माइनस बी ए माइनस बी की कितनी है दो उसके बाद रेशो c माइनस बी सी माइनस बी यानी कि 25 बटे दस पच्चीस बटे दस उसके बाद बोला है c माइनस ए सी माइनस ए की वैल्यू कितनी है एक बटे दो है ना दस से कराए यहाँ पर या फिर इसको लिख सकते हैं पांच बटे में दो इसको लिख सकते हैं हम लोग पाँच बटे में दो दो से कराएंगे तो कितने पे जाएगा देखो दो से यहाँ पर दो से कराएंगे यहाँ पर रेशो कितना आएगा चार रेशो पांच रेशो एक आंसर कितना आएगा हमारे पास में चार रेशो पांच रेशो एक ऑप्शन नंबर डी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ईजी है है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन पे आते हैं नंबर इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने यदि इतने की धनराशि को तीन इतने के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो पहला भाग क्या होगा जब भी हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हो तो सबसे पहला काम है फ्रैक्शन से वैल्यूज को हटाना है सबसे पहला काम है हमारा वैल्यूज को फ्रैक्शन से हटाना है यहाँ पर कितना है तीन के बटे में चार एलसीएम कितना है इनका बारह एलसीएम कितना आएगा इनका बारह बारह से सबको गुना कराना है बारह से सबको गुना कराना है कितना बचेगा देखो दो से जाएगा छः पे है ना तीन से जाएगा चार पे चार दुनी आठ इसके अलावा देखो चार तिया बारह तीन तिया नौ रेशियो कितना आता है सिक्स रेशो, एट नाइन इनका रेशियो कितना आया है सिक्स रेशियो एट रेशियो नाइन मतलब इस हिस्से में इस रेशियो में वैल्यू को बांटना है किस वैल्यू को बांटना है छह की टोटल कितना आता है हमारे अकॉर्डिंग देखो सत्रह और यहाँ से कितना तेईस और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है सिक्स फोर फोर है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना आता है हमारे पास में सिक्स फोर फोर यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी कितने पे जाता है यहाँ से हमारे पास में आ, कितने पे दो पे उसके बाद कितना आएगा यहाँ से देखो दो पे चला जाएगा कितना आएगा यहाँ से बचता कितना है चार आठ चौक बत्तीस आठ कितने पे जा रहा है अट्ठाईस पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में अट्ठाइस पूछा क्या था क्वेश्चन ने पहले भाग की वैल्यू कितनी है सबसे पहला भाग यानी कि हमसे छह यूनिट की वैल्यू पूछी गई है आर्थिक अड़तालीस छह दुनिया बारह और चार बारह और चार कितना सोलह आंसर कितना आता है हमारे पास में वन आंसर कितना आएगा हमारे पास में वन ऑप्शन नंबर

चार तीन दो चार तीन और दो जीरो तो लगा सकते हैं ना हम लोग रेशियो के अंदर कितनी भी जीरो हम लोग एक्स्ट्रा लगा सकते हैं कितनी भी जीरो हम लोग कम कर सकते हैं लेकिन एक शर्त क्या है सबके साथ करना है जो भी चेंजमेंट करते हैं रेशियो में जितनी भी डिजिट दे रखी है सबके साथ करना पड़ेगा चेंजमेंट कुछ भी कर सकते हैं है ना एक एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लगा दी उसने बोला है लंबाई में पचास की वृद्धि की जाती है पचास कितना होगा इसका बीस यानी कि कितनी हो गई साठ ऊंचाई में 40% परसेंट की कमी की जाती है ऊंचाई में 40% परसेंट की कमी की जाती है कितना आठ बढ़ेगा कमी की जाती है कितना आएगा बारह है ना बीस का कितना बोला है चालीस परसेंट कितना आएगा चार दुनिया आठ मतलब आठ की कमी कर दी आठ की कमी कर दी तो वैल्यू कितनी आएगी बारह आएगी और ब्रेथ में कोई चेंजमेंट नहीं बोला ना चौड़ाई में चौड़ाई उतनी ही रख लेते हैं कितनी आएगी तीस ये है पुराने वाला और ये है नए वाला क्वेश्चन ने क्या पूछा है क्वेश्चन ने पूछा है नए आयतन का पुराने आयतन से रेशो निकालना है न्यू रेशो ओल्ड हमें करना है न्यू रेशो ओल्ड नई वाली वैल्यूज देखो कितनी आती हैं? नई वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में साठ गुना तीस गुना बारह और ओल्ड वाली कितनी है पुराने वाली कितनी आएंगी चालीस गुना तीस गुना बीस यहाँ से काट लेते हैं देखो यहाँ से वैल्यूज को काट लेते हैं थर्टी से तो थर्टी कैंसिल इसके अलावा कितना आएगा हमारे पास में दो से कितने पे जाएगा तीन से है ना और फिर कितने पे जा रहे हैं चार से दस पे चार तिया बारह रेशो कितना आएगा नाइन रेशो टेन रेशो की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में नो रेशो दस ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने एक पिगी बैंक में एक रुपए के दो रुपए के और पांच रुपए के सिक्के का रेशियो हमें दे रखा है है ना पांच रेशो नो रेशो चार कितने कितने रुपए के ये है एक रुपए का और ये है एक रुपए का यहाँ पर दे रखा है दो के और पाँच के ये है दो रुपए के और ये है हमारे पास में पाँच रुपए के टोटल कितने हो गए एक रुपए के पाँच सिक्के मतलब पांच रुपए दो रुपए के नौ सिक्के मतलब अट्ठारह रुपए और पाँच रुपए के चार सिक्के मतलब बीस रुपए ये क्या आया है हमारे पास में अमाउंट है ये क्या है हमारे पास में रुपए की संख्या दे रखी है क्वेश्चन ने बोला है कुल राशि 860 है टोटल कितना है 860. हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू देखो कितनी आएगी आठ और पांच तेरह दो तीन चार तिरतालीस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 860 है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है बीस <coughs> एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है बीस क्वेश्चन ने पूछा है पांच रुपए के सिक्के कितने हैं पांच रुपए के सिक्के कितने हैं सिक्के कितने हैं हमारे पास में चार सिक्के हैं आंसर कितना आएगा हमारे पास में अस्सी है ना आंसर कितना आएगा हमारे पास में अस्सी यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है सुंदरलाल ने अपनी एक लाख बासठ हजार की बचत को अपनी पत्नी तीन बेटों और एक बेटी में इस प्रकार विभाजित करी किस किस में बाटी है पत्नी को मान लेते हैं वाइफ है है ना उसके बाद है तीन बेटों, बेटे यानी कि उसके सन हैं और डॉटर विभाजित करी कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दो गुना धनराशि मिली बेटी की तुलना में बेटी की तुलना में पत्नी को दो गुना धनराशि मिली यही बोले ना, बेटी की तुलना में दो गुना धनराशि मिली और उनकी बेटी को प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दो गुनी धनराशि मिली है ना? इसको दो गुनी मिली है हर एक बेटे के कंपेरिजन में यहां से जो भी खाली जगह है वहां पर इसका पड़ोसी बिठाएंगे कितना आएगा वन यहां पर कितना आएगा टू वैल्यू देखो कितनी आती है रेशो कितना बनेगा हमारे पास में चार रेशो, दो रेशो एक लेकिन ध्यान रखना लेकिन ध्यान रखना क्या है पत्नी तो एक है ऑब्वियसली पत्नी तो एक ही होगी बेटे कितने दे रखे हैं तीन बेटे कितने दे रखे हैं उसके तीन दे रखे हैं और क्या है एक बेटी बेटी भी कितनी है एक है इसका मतलब रेशो क्या है हमारे पास में चार रेशो दो रेशो तीन रेशो कितना आएगा चार रेशो दो रेशो तीन आगे क्या बोला है उनकी बेटी को कितनी धनराशि मिली बेटी का हिस्सा हमें निकालना है है ना टोटल अमाउंट कितना है एक लाख बासठ हजार का हमारे अकॉर्डिंग कितना है तीन दो पांच और चार नो का नो यूनिट किसके बराबर है नो यूनिट किसके बराबर आएंगी एक लाख बासठ हजार छह दो आठ नो नौ से कितने पे जाएगा नौ एकम नौ नौ अठे बेहतर और तीन जीरो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में अट्ठारह हजार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठारह हजार किसका हिस्सा निकालना है बेटी का बेटी का हिस्सा निकालना है इसका मतलब कितनी यूनिट की वैल्यू निकालनी है हमें दो यूनिट की वैल्यू निकालनी है आंसर कितना आएगा हमारे पास में छत्तीस आंसर कितना आता है हमारे पास में थर्टी ऑप्शन नंबर ए बस ध्यान क्या रखना है जितने लोग एक्स्ट्रा हैं एक्स्ट्रा का मतलब जैसे बेटे तीन थे तो तीन की गुना करानी पड़ेगी जो बेटे का रेशियो है उसकी मान लो इसी क्वेश्चन में ये दे रखा होता कि तीन बेटे हैं और दो बेटी है तो बेटे का जो रेशियो उसकी तीन से गुना कराते अगर बोल रखा होता दो बेटी है तो इसकी दो से गुना करा के चार रेशो चार रेशो तीन आ जाता हमारे पास कहने का मतलब यही है कि जितनी वैल्यू दे रखी है जितने मेंबर्स दे रखे हैं उसकी हमें गुना करानी पड़ेगी ये वाला पॉइंट नोट करना है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसने क्या बोला है डेयरी मालिक प्रतिदिन तीन किस्म तीन टाइप है उसके पास में एक है फुल, फुल क्रीम फुल में एक लीटर के पैकेट में इतने लीटर दूध बेचता है है ना एक लीटर के पैकेट में इतने लीटर दूध बेचता है टोन्ड दूध के पैकेट की बिक्री फुल क्रीम के पैकेट की तुलना में 80 परसेंट अधिक है और फुल एक दे रखा है टोंड और एक है फुल क्रीम है ना इसको टी और एफ से ले लेते हैं इसने बोला है टोंड दूध के पैकेट की बिक्री फुल क्रीम की तुलना में 80 अधिक है फुल क्रीम की अगर 100 है तो इसकी कितनी आएगी 180 की और डबल टोंड दूध के पैकेट की बिक्री जो डबल टोंड है वो टोंड दूध के टोंड दूध के आ, पैकेट की तुलना में 60% परसेंट कम है अगर ये 100 है तो ये कितना है 40 है यहाँ पर रेशो कितना आएगा हमारे पास में <coughs> पांच रेशो दो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास में पांच रेशो नो है ना जहाँ पर जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी बिठाना है जहां पर जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी रखेंगे यहां से रेशो कितना मिलेगा हमें पापा पच्चीस नौ पाँजे पैंतालीस नौ दूनी अट्ठारह ये आता है हमारे पास में तीनों का रेशो क्वेश्चन ने पूछा है वह प्रतिदिन डबल टोंड दूध के कितने पैकेट बेचता है डबल टोंड दूध के इसका मतलब अट्ठारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है टोटल कितना दूध दे रखा है पाँच टोटल कितना दे रखा है पाँच हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है पाँच पाँच दस और आठ अट्ठारह है ना चार दो छः सात और एक आठ हमारे अकॉर्डिंग कितना आता है एटी एट आठ और पाँच तेरह ग्यारह से जाएगा आठ पे ग्यारह चौक चौवालीस और फिर कितना बचेगा ग्यारह आठ है ना आठ चिक अड़तालीस एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है छः क्वेश्चन ने पूछा है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू कितनी है अट्ठारह यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे यहां से कितनी आएगी अठारह छी के कितना एक सौ आठ अठारह यूनिट की वैल्यू कितनी है इसका मतलब डबल टोंड दूध की कीमत उसकी क्वांटिटी uh, उसकी जो अमाउंट है डबल टोंड दूध जो है वो कितना है एक सौ आठ लीटर आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट इसने बोला है सात हजार आठ सौ की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है बी का हिस्सा जो है वो ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है ना और सी का हिस्सा बी के हिस्से से सी का हिस्सा या इसको सीधा ही लिख लेते हैं देखो आ, कितना आएगा ए रेशियो बी रेशियो सी क्या बोला था बी का हिस्सा ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है बी का जो हिस्सा है वो A के हिस्से का ए के हिस्से का वन बाय थर्ड है A के हिस्से का वन बाय थर्ड है इसका मतलब कितना है वन है इसके बाद क्या बोला है सी का हिस्सा बी के हिस्से से बीस परसेंट अधिक है सी का हिस्सा बी के हिस्से से इसको ऐसे कर लेते हैं बी के हिस्से से 20 परसेंट अधिक है मतलब 120 है यहां से कितना आएगा दो से पंद्रह पे दो से पांच पे दो से जाएगा छ पे है ना रेशियो कितना आता है हमारे पास में पंद्रह रेशो पांच रेशो, ने बोला है ए का हिस्सा ज्ञात करें टोटल कितना है टोटल कितना दे रखा है सात हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आएगा बीस और छब्बीस छब्बीस यूनिट बराबर किसके हैं अठहत्तर सौ यूनिट किसके बराबर है 800, यहां से देखो कितने पे जाएगा पे, और कितना? दो, दो, है. 15 45 और दो जीरो आंसर कितना आएगा हमारे पास में आंसर कितना आएगा हमारे पास में पैंतालीस सौ यानी कि ऑप्शन नंबर पर आते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसने बोला है एक को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का एक बटे पांच दूसरे भाग का एक बटे तीन और तीसरे भाग का एक बटे ग्यारह बराबर है तीन भाग दे रखे हैं हमने मान लिया ए बी सी हमारे पास में तीन भाग हैं इसने बोला है पहले भाग का एक बटे पांच है ना दूसरे भाग का एक बटे तीन और तीसरे भाग का एक बटे ग्यारह वैल्यूज आपस में बराबर है चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था जब ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया था एंड प्रपोशन का उसके जो की पॉइंट देखे थे उसमें हमने डिस्कस किया था क्या डिस्कस किया था जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन मिले जब भी हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन गिवन मिले तो ए बी सी की वैल्यू कौन सी है जो उनके नीचे दे रखी है वही उनकी वैल्यू होती है है ना इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब सी की वैल्यू ये है बी की वैल्यू ये है और ए की वैल्यू हमारे पास में ये है क्वेश्चन ने टोटल कितना दे रखा है एक क्वेश्चन ने दिया है एक इसको लिख लेते हैं ए बी सी ए की है पांच बी की है तीन और सी की कितनी है ग्यारह टोटल कितना आएगा हमारे पास में 19 क्वेश्चन ने कितना दिया है 152 है ना और पूछा क्या था दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है दूसरे और तीसरे भाग का यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू पूछी है बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी चौदह एक यूनिट की वैल्यू निकाल ले कितनी आएगी यहां से देखो उन्नीस से कितने पे जा रहा है यहां से आठ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है आठ निकालनी क्या है हमें चौदह यूनिट की वैल्यू वैल्यू किसकी निकालनी है चौदह यूनिट की आएगी? आंसर कितना आएगी? का हमारे पास में यहाँ से 112 आंसर कितना आता है 112 ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 इसने क्या बोला है इसने बोला है ए और की है, बी की आय का अनुपात ये है ए का व्य बी की बचत के बराबर है है ना देखो ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है ये है ए ये है बी इनकी आय का रेशियो गिवन है कितना आएगा 5:7 इसने बोला है ए का व्य बी की बचत के बराबर है ए और बी का कुल व्य इतना है इसमें व्य दे कहाँ रखा है इनकी आय का अनुपात इतना है ए का व्य ठीक है बी की बचत के बराबर है यदि ए और बी का कुल इतना है टोटल खर्चा दे रखा है तो बचत क्या होगी कुल व्य हमें दे रखा है कितना आएगा यहाँ से आगे क्या करेंगे देखो व्य दे रखी है ना कितना आएगा देखो यहां से थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा क्वेश्चन को इसने बोला है ए का व बी की बचत के बराबर है इसको लिख सकते हैं हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग ए की क्या बोला था ए का ए का बराबर है किसके बी की बचत के बी की बचत के बराबर है अगर हम इन दोनों की बचत निकालें अगर हम इन दोनों की बचत निकालें मतलब कि ए की बचत प्लस में बी की बचत है ना बी की बचत कितनी आएगी देखो दोनों की टोटल इनकम कितनी है सात और पांच बारह एक्स दोनों की टोटल इनकम है बारह एक्स उसमें से दोनों का जो वह है दोनों का जो खर्चा है उसको घटा देंगे यानी कि पंद्रह हजार सात सौ पचास है ना तभी तो आएगी ना दोनों की इनकम में से टोटल इनकम में से टोटल खर्चा घटाते हैं तभी तो हमारे पास में बचत आएगी तो बचत की वैल्यू आती है ये ए की बचत यहीं पर रहेगी बी की बचत की जगह पर लिख सकते हैं ए का वे मतलब ए की बचत प्लस में ए का वे ए का वे है ना किसके बराबर दे रखा है वैल्यू यही लेके चलते हैं बचत प्लस, प्लस में वे बचत और यहां पर क्या है वे यहां पर क्या है बचत इनकम किसके बराबर होती है आय किसके बराबर है वे प्लस बचत के ना तो वे प्लस बचत की जगह पर क्या लिख सकते हैं a की आय यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग a की आय a की आय कितनी है एक ही इनकम कितनी दे रखी है पांच एक्स बराबर किसके है बारह एक्स माइनस का पंद्रह हजार सात सौ पचास यहां से वैल्यू कितनी आएगी सात एक्स की वैल्यू कितनी है पंद्रह हजार सात सौ पचास वैल्यू देखो सात दुनी चौदह और सात दूनी चौदह सात पांच पैंतीस और जीरो एक्स की वैल्यू कितनी आई है बाईस सौ पचास क्वेश्चन ने पूछा था उनकी कुल बचत कितनी है बचत कैसे निकालनी है बचत कैसे निकालनी है इनकम में से खर्चा घटा देंगे इनकम में से एक्सपेंडिचर यानी कि आय में से वह घटा देंगे हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी बचत की आई कितनी है बारह एक्स की है ना बारह और एक्स की वैल्यू कितनी है अभी अभी आई यहां से निकाल लेते हैं देखो बारह पांजे साठ बारह दुनी चौबीस और 36 बारह दुनी चौबीस और यहां से कितना आएगा 27000 हजार कितनी वैल्यू है 27000 हजार इसमें से खर्चा कितने का है पंद्रह हजार सात सौ पचास पंद्रह हज़ार सात सौ पचास कितना आता है हमारे पास में दो यहाँ पे कितना आएगा ग्यारह हजार दो सौ पचास है ना उनकी बचत कितने की है ग्यारह हजार दो सौ पचास ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी वन इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है जब इस इसमें एक्स प्रत्येक में एक्स को जोड़ा जाता है तो इस तरह से प्राप्त संख्याएं एक अनुपात में होती हैं इसकी वैल्यू किसके बराबर है है ना बाद में निकालेंगे क्या है सबसे पहले हम लोग एक्स की वैल्यू निकालते हैं एक्स क्या है इसमें एक एक्स वैल्यू को जोड़ा जाता है <coughs> मतलब सबके अंदर हम कोई एक डिजिट है एक्स नाम दे दिया उसको उसको सबके अंदर एड करेंगे उसके बाद जो हमारे पास में रेशियो आएगा ये समानुपात होगा मतलब रेशियो जो है दोनों का बराबर आएगा है ना बाय मेथड करेंगे इसको देखो अगर हम लोग इसको ऐसे करने बैठेंगे कि छ है इसमें से कुछ घटाएंगे बटे में बारह इसमें से हम घटाएंगे फिर ये बराबर आएगा किसके 18- माइनस एक्स और उसके नीचे कितना है 28- माइनस एक्स यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी रह जाएगा है ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पड़ेंग पड़ेगा हमें इसको डायरेक्ट इससे मैथड से करना मेथड को यहाँ पर अवॉइड करके हम लोग एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक करते हैं इसके अंदर क्या करना है इसके अंदर से मतलब जब भी हमें इस टाइप का फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करना है क्या क्या डिजिट दे रखी है छ बारह अट्ठारह और अट्ठाईस है ना सबसे पहले लेनी है बाहर वाली दोनों डिजिट्स दो, बाहर वाली दोनों यानी कि 28 गुना छः इसमें से हमें घटाना है अंदर वाली दोनों डिजिट्स की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 12 गुना अट्ठारह नीचे क्या आएगा सेम वही दोनों की लेकिन मल्टीप्लाई नहीं अब दोनों को ऐड करना है इसमें से घटाना है क्या अंदर वाले दोनों के एडिशन को यानी कि बारह प्लस अट्ठारह को घटाना है यहाँ से वैल्यू निकालेंगे एक्स की वैल्यू हमारे पास में कितनी आती है आठ छिक अड़तालीस छः दुनी बारह और चार कितना आएगा सोलह माइनस का यहां से कितना बचता है बारह आठ ए छियानवे बारह एकम बारह और कितना इक्कीस यहाँ पे कितना आता है तो टू वन सिक्स यहाँ से कितनी वैल्यू आती है दो सौ सो, सोलह नीचे देखो कितना आएगा हमारे पास में चौंतीस और यहाँ पे कितना आता है हमारे पास में तीस वैल्यू देखो कितनी आती है चार बचेगा यहाँ से और ऊपर कितना आएगा हमारे पास में देखो दो सौ सोलह वन सिक्सटी एट कितना बचेगा आठ और कितना आएगा अड़तालीस वैल्यू कितनी आती है यहाँ से हमारे पास में चार से कितने पे जाएगा चार एकम चार चार दुनिया आठ एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है हमने बारह एक्स की वैल्यू बारह आ गई उसके बाद तो बस ये एक रेशियो दे रखा है इसके अंदर एक्स की वैल्यू को पुट करना है रेशियो क्या गिवन है देखो 5x एक्स प्लस का छे और बटे में कितना है x माइनस का वन है ना पांच एक्स एक्स आया है बारह पांच साठ और बटे में कितना आएगा बारह माइनस का एक ग्यारह आंसर कितना आता है हमारे पास में छ आंसर कितना आएगा हमारे पास में छ बटे एक इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आंसर आता है हमारे पास में छ बटे एक इसको क्या बोल सकते हैं सिक्स रेशियो वन आंसर कितना आएगा हमारे पास में सिक्स रेशियो वन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी टू इसने देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात एक्स रेशो वाई है यदि ए की आय में बीस परसेंट की वृद्धि होती है ये है ए ये है बी 20 परसेंट की वृद्धि होती है वृद्धि जो करेंगे वो वैल्यू 100 में प्लस करते हैं हम लोग एट एन एवरेज आइडल वैल्यू मानते हैं 100 परसेंट को अगर वृद्धि हुई है तो 100 में ऐड करेंगे अगर कमी हुई है तो 100 में से वैल्यू को सब्टैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास में देखो बोला है इसने बीस की वृद्धि होती है इसका मतलब क्या आएगा एक सौ किसका एक्स दे रखा है ना एक्स का कितना आएगा एक इस साइड क्या दिया है उसने क्वेश्चन ने बोला है 25% की कमी होती है 25% परसेंट की कमी का मतलब किसका वाई दे रखा था ना यहां पर कितना आएगा पिचहत्तर वाई तो अनुपात चौसठ रेशियो पैंतालीस हो जाएगा <coughs> यानी कि 120 बटे एक्स एक सौ बीस एक्स बटे में पिचहत्तर वाई की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है चौसठ रेशियो पैंतालीस यहां से काट पीट के हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे देखो यहाँ से कितने पर किया जा रहा है पंद्रह पाँ पिचहत्तर पंद्रह तीए पैंतालीस इसके अलावा चार से कर सकते हैं हम लोग हाँ दो तीए छः और चार से ही कर लेते हैं है ना चार से कितने पे जाएगा चार सातें चार से जा रहे हैं सोलह चौक चौंसठ और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में तीस पे इसके अलावा देखो कितने पे जाता है हमारे पास में पाँच से जाएगा छः पे इसके अलावा देखो दो से तीन पे दो से जाएगा आठ पे है ना x की वैल्यू किसके बराबर है आठ बटे तीन और ये भी क्या है हमारे पास में नीचे आएगा डिवाइड में आंसर कितना आएगा हमारे पास में x की वैल्यू कितनी आएगी एट बाय नाइन रेशियो कितना आएगा हमारे पास में एट रेशियो नाइन यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है पिछले वर्ष में एक्स और वाई की आय का अनुपात इतना था पिछले वर्ष की उनकी स्वयं की आय और इस वर्ष की आय से अनुपात इतना है और इतना है यदि उनके वर्तमान आय का योग हमें दे रखा है पंद्रह हजार चार सौ है तो x की वर्तमान आय क्या है वैल्यू किसकी निकालनी है x की प्रेजेंटेज रेशियो कितना दिया है सबसे पहले वैल्यूज कितनी दे रखी है चार और पांच फोर रेशो फाइव है ना इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं देखो एक्स रेशो वाई की हमें क्या गिवन है ये चार रेशो पाँच कब की दे रखी है चार रेशो पाँच दिया है पिछले वर्ष की ये रेशियो हमारे पास में कब का है लास्ट ईयर का है ना ये लास्ट ईयर का दे रखा है और दूसरे जो दो रेशियो हैं वो क्या दे रखे हैं इसने बोला है पिछले वर्ष की उनकी स्वयं की आय का इस वर्ष की आय से अनुपात ये है लास्ट ईयर रेशियो अब क्या दिया है लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर है ना ये लास्ट ईयर का है ये प्रेजेंट ईयर का है एक्स का रेशो क्या गिवन है एक्स का रेशो है तीन रेशो चार और वाई का क्या दे रखा है y का हमें क्या है? दो रेशो तीन इतना क्वेश्चन समझ आया क्वेश्चन ने जो बात बोल रखी है उसको जस्ट हमने उतारा है लास्ट ईयर का प्रेजेंट ईयर का किसका क्या रेशो हमें दे रखा है ऐसे ऐसे हमें रेशो गिवन है आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है उनकी वर्तमान आय का योग हमें दे रखा है है ना ये भी हमें क्या है तीन रेशो दो भी क्या दे रखा है हमें लास्ट ईयर का और चार रेशो पांच भी हमें क्या गिवन है चार रेशो पांच भी क्या दे रखा है लास्ट ईयर का दोनों यहां से रेशो को इक्वेट करके वैल्यू निकालेंगे यहां पे देखो टोटल कितना आता है तीन और दो तीन और दो का एल्सियम कितना आएगा छः यहां पर छे से गुना कराएंगे कितना आएगा छ चौक चौबीस और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में छः पाँच तीस अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को, को इसने क्या बोला है देखो लास्ट ईयर का हमारे पास में कितना आता है एक्स का तीन लेकिन लास्ट ईयर का एक्स की कि वैल्यू कितनी है चौबीस मतलब तीन यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है चौबीस दे रखी है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आठ आएगी है ना एक यूनिट की वैल्यू आठ आएगी कितने यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है प्रेजेंट एज निकालनी है ना प्रेजेंट एज यानी कि चार यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है कितना आएगा हमारे पास में बत्तीस सेम ऐसे ही देखो ये y की लास्ट ईयर की वैल्यू है तीस y की लास्ट ईयर की वैल्यू कितनी है दो इसका मतलब दो यूनिट बराबर है तीस के एक यूनिट बराबर आएगी किसके पंद्रह के और निकालनी किसकी है प्रेजेंट एज की मतलब तीन यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है कितना आएगा हमारे पास में पैंतालीस यहाँ तक का समझ आया प्रेजेंट एज की दो वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है बत्तीस और पैंतालीस टोटल कितना आएगा यहाँ से टोटल हमारे पास में कितना आएगा सतहत्तर है ना प्रेजेंट ज का उनका योग कितना आया है सतहत्तर यूनिट क्वेश्चन ने कितना दे रखा है पंद्रह हजार चार सो है ना क्वेश्चन ने कितना दिया है पंद्रह हजार चार सो हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है सतहत्तर यूनिट सात से जाएगा ग्यारह पे सात दूनी चौदह सात दूनी चौदह डबल जीरो ग्यारह से जा रहा है दो पे डबल जीरो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास दो सौ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है दो सौ क्वेश्चन ने पूछा है एक्स की वर्तमान एज क्या है एक्स की प्रेजेंट एज कितनी निकाली थी हमने बत्तीस है ना बत्तीस यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है दो सौ यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में फोर हंड्रेड है वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में छः हजार चार सौ आंसर कितना आएगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है एक स्कूल में कुछ आ, कुल छात्र सात सौ बीस लड़के और लड़कियां है ना क्या दिया है क्वेश्चन ने बॉयज रेशो गर्ल्स रेशो क्या है सात रेशो पाँच टोटल कितना बोला है उसने बोला है टोटल बच्चे सात सौ बीस हैं हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितने आते हैं सात और पाँच बारह इसका मतलब बारह यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है सात सौ बीस के इसका मतलब हुआ बारह यूनिट जो हैं वो सात सौ बीस के बराबर दे रखी हैं बारह के बेहतर इसका मतलब क्या हुआ एक यूनिट की जो वैल्यू है एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर आएगी साठ के बराबर आएगी आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है दूसरे स्कूल में छात्र 560 हैं और लड़कों और लड़कियों का रेशो हमें ये दे रखा है दूसरा स्कूल इधर बना लेते हैं उसमें देखो क्या है बॉयज रेशो गर्ल्स कितना गेवन है तीन रेशो पांच थ्री रेशियो फाइव है ना और यहाँ पे दे क्या रखा है हमें टोटल कितने दे रखे हैं पांच छात्र है टोटल कितना आता है पांच और तीन आठ आठ की वैल्यू कितनी है पांच सौ साठ आठ सात यूनिट की अनुपात कितना है रेशियो हमसे पूछ रखा है यहाँ पे देखो कितनी आती है टोटल वैल्यू एक यूनिट की वैल्यू साठ है सात की कितनी आएंगी सात सौ बयालीस चार सौ 42, बीस बच्चे तो यहाँ पर हैं बॉयज और गर्ल्स कितनी है यहाँ पर तीन सौ सेम इस क्वेश्चन में करेंगे देखो सात या इक्कीस तीन सौ दो सौ दस तो आएगा यहाँ पर और सात पांच पैंतीस यानी कि तीन सौ पचास आएगा हमारे पास में यहाँ से क्वेश्चन ने पूछा है टोटल रेशियो निकालना है बॉयज और गर्ल्स का बॉयज और गर्ल्स का टोटल रेशियो पूछा है यहां पर कितने बॉय हैं हमारे पास में दो सौ दस और यहाँ पर कितने हैं चार सौ बीस है ना और गर्ल्स देखो कितनी आएगी गर्ल्स कितनी है 350 तो एक साइड है और 300 जो हैं दूसरी साइड हैं यहाँ पे होती हैं 650 और यहाँ पर कितना होगा हमारे पास में चार दो है ना रेशो पूछा है रेशो कितना आएगा यहाँ जीरो से जीरो कैंसिल आंसर कितना बचेगा हमारे पास में बॉयज़ रेशो गर्ल्स की वैल्यू कितनी आएगी तिरसठ रेशियो पैंसठ आंसर कितना आएगा सिक्सटी थ्री ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने एक सत्र की शुरुआत में एक स्कूल में कक्षा सात और आठ में छात्रों की संख्या इतनी 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 है सिक्स क्लास में सेवेंथ में और हमें दे रखा है एटथ में सिक्स में कितने हैं छात्रों की संख्या एक 150, बीस एक और यहां पर कितनी थी 130 थी क्वेश्चन ने क्या बोला है आगे बाद में कक्षा छः और सात में दस छात्रों को प्रवेश दिया गया कक्षा छः में दस छात्र जुड़े हैं और सात में भी दस छात्र जुड़े हैं और आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने और कक्षा आठ से और दस छात्रों को कक्षा आठ से स्थानांतरित कर दिया गया कक्षा आठ से दस बच्चे चले गए कक्षा आठ में दस बच्चे चले गए शुरुआत में और छत के अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात क्या था बशर्ते आगे कोई प्रवेश या फिर वापसी स्थानांतरण नहीं हुआ हो पहले कितने थे टोटल करें अगर हम लोग यहाँ से तो पहले कितने थे देखो पांच दो सात और तीन दस यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी तीन और एक चार पहले कितने बच्चे थे चार सौ थे अब देखो कितने हैं दस से तो दस कैंसिल अब कितना आएंगे चार सौ दस पहले कितने थे 400 थे अब कितने हैं 410 हैं रेशो हमसे पूछा है रेशो कितना आएगा 40 रेशो 41 रेशो कितना आएगा हमारे पास में 40 रेशो 41 ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है इतने की धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस तरह से विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात ये है लिख लेते हैं किस किस के बीच में बांटना है ए बी सी और डी है ना इसने बोला है ए और बी का हिस्सा कितना है वन रेशियो थ्री आगे बोला है बी और सी के हिस्से का अनुपात दो पांच है बी का आएगा दो और सी का कितना है पांच है और सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना है दो रेशियो तीन है सी का बोला है दो है और डी का कितना है तीन है इस टाइप से जब हमारे पास में क्वेश्चन आ जाए इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने वहां पर बेसिक में इसको डिस्कस किया था क्या बताया था वहां पर इस टाइप के जब भी फॉर्मेट में क्वेश्चन हो तो जो भी जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी आएगा जो भी जगह खाली है वहां पर उसका पड़ोसी आएगा यहाँ पर तीन आएगा यहाँ पर भी तीन यहां पर दो आएगा इधर हमारे पास में दो यहां पर भी कितना आएगा दो आएगा है ना अगर यहां से हम लोग वैल्यूज देखें तो देखो कितना आता है दो दुनी चार दो दुनी चारती है बारह है ना दोनी छः पाँचे तीस और यहां से कितना आएगा आ, तीन तीन नौ पांच पैंतालीस रेशियो कितना आता है हमारे पास में चार रेशो बारह रेशो तीस रेशो पैंतालीस क्वेश्चन ने क्या बोला है ए का हिस्सा कितना है टोटल कितना अमाउंट दे रखा है हमें ये हमारे अकॉर्डिंग टोटल अमाउंट कितना आता है यहाँ पे देखो चार दो छ और छः पांच ग्यारह कैरी लगेगी वन तीन चार चार आठ और एक इक्यानवे हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी आती है नाइनटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आ 15, 9, 2, 5, 0. यहां से कितनी आती है टोटल वैल्यू ये सात से कैंसिल होगा यहां पे देखो कितने पे जाएगा सात से तेरह सात दुनी चौदह और एक सात दुनी चौदह और कितना बचेगा हमारे पास में से यहां से नौ में से चार गया पांच और कितना सातों सातों उनचास तीन सात पाँचे पैंतीस और जीरो तेरह से देखो कितने पे जा रहे हैं तेरह एकम तेरह उसके बाद देखो कितना बचेगा नौ तेरह सात इक्यानवे तेरह पाँच पैंसठ जीरो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई है सत्रह सौ पचास एक यूनिट की वैल्यू आ गई पूछा है एक का हिस्सा कितना है मतलब चार यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है चार यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी पाँच चौक बीस सात चौक अट्ठाईस और दो यहां पर कितना आएगा हमारे पास में चार तीन सात आंसर कितना आएगा हमारे पास में सेवन थाउजेंड ए का हिस्सा कितना आएगा सात हजार ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने ए और बी की आय का अनुपात ये है और उनकी बचत का अनुपात ये है, है ना यदि ए और बी का व्यय इतने और इतना है तो बी की आय क्या है थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है आय और व्य जो है इनकम और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चन हमने किए हैं पर ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसमें देखो क्या दिया है ए और बी हम लोग ले लेते हैं ये है हमारे पास में ए और ये आएगा हमारे पास में बी ये है इनकी आय का रेशियो ये है इनके व्यय का यानी कि खर्च का और ये आएगा हमारे पास में इनकी बचत देखो किसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन ने ए और बी की आय कितनी है आठ रेशो ग्यारह है आठ रेशो ग्यारह उसके बाद क्या दिया है बचत है सात रेशो नो है और उसके बाद देखो उसने बोला है खर्चा कितना है ये करता है पच्चीस हजार का इसका खर्च कितने का है पच्चीस हजार का इसका खर्च कितने का है पैंतीस हजार का है आंसर कितना आता है रेशो कितना आएगा पाँच रेशो सात इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या पाँच रेशो सात है ना लेकिन एक बात ध्यान रखना एक बात ध्यान रखना ऊपर वाला हमारे पास में रेशो है इनकम का नीचे वाला रेशो है एक्सपेंडिचर का इनके साथ <coughs> सॉरी इनके साथ जो कॉमन टर्म लग रखी है जिसपे हम इनको काटते हैं ना रेशो को वो वाली अलग अलग होगी अलग अलग वैल्यूज पे कट रखी हैं इसका मतलब ये तो होगा आठ एक्स और ग्यारह एक्स और ये होगा हमारे पास में पाँच वाई और सात वाई है ना बचत कैसे निकलती है बचत निकलती कैसी है सॉरी कैसे निकलती है बचत टोटल जो इनकम है उसमें से खर्च हटा देंगे तो बचत आएगी ना हमारे पास में टोटल जो इनकम है उसमें से अगर हम खर्चा हटा दें तो हमारे पास में क्या है? आएगी, बचत आएगी सेम हम लोग इस साइड बोल सकते हैं क्या टोटल इनकम में से खर्च घटा दे तो हमारे पास में क्या बचेगी हमारे पास में बचत जो कि कितनी दे रखी है नो दे रखी है यहाँ पे वैल्यूज को सेम बनाएंगे देखो अगर हम लोग इस साइड मल्टीप्लाई करा दें किसकी सात की और यहाँ पर किसकी करा दे पाँच की तो शायद हमारा आंसर आ सकता है सात आठ टू छप्पन एक्स आएगा यहाँ से है ना सात पाँजे पैंतीस वाई और ये कितना आएगा हमारे पास में फोर्टी नाइन पाँच से कितने पे जाएगा पचपन एक्स और यहाँ से कितना आएगा पैंतीस वाई और यहाँ से कितना आएगा नौ पाँजे पैंतालीस वैल्यूज को काट के देखो यहाँ से कितना आंसर आता है हमारे पास में माइनस प्लस और यहाँ पे कितना माइनस ये वाली वैल्यू कैंसिल बचेगा कितना सिर्फ और सिर्फ एक्स यहाँ से कितना आएगा चार एक्स की वैल्यू कितनी आती है चार पूछा क्या है बी की आय क्या है बी की आय हमसे पूछी है क्वेश्चन ने बी की आय क्या थी ग्यारह एक्स एक्स की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है कितनी आएगी चार है ना ग्यारह गुना चार आंसर कितना आएगा हमारे पास में चवालीस हजार आंसर कितना आएगा हमारे पास में अच्छा जीरो ये वाली काट रखिए ना आंसर कितना आएगा हमारे पास में यहाँ से चवालीस हजार चवालीस हजार यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी एट इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है एक आदमी ने अपने पुत्रों ए बी सी के सी में दो अलग अलग राशि इतने की और इतने की बांटी पहली राशि इतने को इस रेशो में और दूसरी राशि 18,000 की इस रेशो में बांटी है ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर क्या है है ना दो अमाउंट दे रखे हैं और हमें दो रेशो दे रखे हैं एक बार बीच में लाइन ड्रॉ करके इसको अलग अलग करते देखो पैतालीस हजार रुपए उसने बांटे हैं पैंतालीस हजार रुपए उसने यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं ए रेशो बी रेशो सी कितना कितना आएगा हमारे पास में तीन सात पांच तीन रेशो सात रेशो पांच है ना <coughs> यहां से देखो कितना आता है टोटल कितना आएगा सात तीन दस और पांच पंद्रह क्वेश्चन ने कितना दे रखा है पैंतालीस हजार पंद्रह यूनिट किसके बराबर है पैंतालीस हजार इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी पंद्रह ती पैतालीस जीरो जीरो पैंतालीस क्या था हज़ार ना पांच पंद्रह थी पैंतालीस और तीन जीरो आएंगे हमारे पास में यहाँ से मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है तीन हज़ार है एक यूनिट की वैल्यू तीन हज़ार दे रखी है तो क्वेश्चन ने पूछा था ए और सी वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में नौ हज़ार तो आएगी यहाँ पर पांतीय पंद्रह हज़ार आएगा हमारे पास में यहां से इस साइड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इधर वाले देखो क्या दे रखा था दूसरा क्या है अट्ठारह हज़ार की राशि उसको बांटनी है अट्ठारह हज़ार डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसको किस किस के बीच में एबीसी में एबीसी में अट्ठारह हज़ार का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा चार दो तीन चार रेशो दो रेशो तीन चार तीन सात और दो नौ यानी कि नौ यूनिट किसके बराबर दे रखी हैं अट्ठारह हज़ार के इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में दो हज़ार एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में दो हजार की है क्वेश्चन तो ने पूछा क्या था ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर क्या है पहले टोटल देख ले हम लोग इनका टोटल कितना आता है उसके बाद अंतर निकालेंगे आठ यहां पर है नौ यहां पर है सत्रह हजार तो है यहां पर है, ए की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में पंद्रह और 6 इक्कीस हजार पंद्रह और 6 इक्कीस हजार इनके बीच में डिफरेंस कितने का है चार हजार का इनके बीच में अंतर कितने का है चार हजार का आंसर कितना आता है हमारे पास में फोर थाउजेंड ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है इसने बोला है पांच वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था है ना ए और बी की आयु का अनुपात हमें दे रखा है कितना दे रखा है पांच रेशो आठ लेकिन ये वैल्यू कब थी पांच वर्ष पहले इसको हम लोग लिख देते हैं माइनस पांच अब से दस वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात आठ रेशो ग्यारह है आठ रेशो ग्यारह है कब दस वर्ष बाद यानी कि प्लस का दस है ना पाँच वर्ष पहले और दस वर्ष बाद टोटल कितने का गैप हो गया पंद्रह का पंद्रह का कैसे पांच वर्ष पहले हम लोग मान लो माइनस में है माइनस पांच पे है पहले जीरो पे पहुंचेंगे मतलब प्रेजेंट पे पहुंचेंगे तो पांच साल तो ये कवरअप करने पर लगेंगे उसके बाद फिर आगे और दस साल जाना है टोटल कितने का गैप आया है पंद्रह का टोटल कितने का गैप है यहां पर पंद्रह साल का है ना फिफ्टीन ईयर्स का गैप है और रेशियो में कितने का गैप आता है आठ और तीन ग्यारह पांच और तीन ग्यारह मतलब का इसका मतलब ये जो तीन है ये किसके बराबर आएगा पंद्रह के एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी पांच एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में पांच क्वेश्चन ने पूछा है बी की वर्तमान आयु क्या है बी की आयु क्या है बी की पांच साल पहले की आयु कितनी होगी यहां से हमारे पास में आठ पांचे चालीस है ना बी की पांच साल पहले की आयु कितनी है चालीस है तो अब की प्रेजेंट की कितनी होगी प्लस पांच उसकी अब की आयु कितनी होगी चालीस प्लस पांच पैंतालीस आंसर कितना आएगा हमारे पास में फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव यानी कि ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी इसमें देखो क्या दिया है <coughs> इसने बोला है एक्स की राशि को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात इतना है ओके ओके ए और सी के शेयर का अनुपात इतना है लिख लेते हैं तीनों का हम लोग ए रेशो बी रेशो सी क्या बोला है ए और बी का रेशो है तीन रेशो चार और फिर बोला है इसने बी और सी के शेयरों का अनुपात हाँ ए बी हो गया फिर ए और सी बोला है ठीक है ठीक है ए और सी बोला है सी को इधर रखते हैं देखो सबसे पहले था ए और बी का ले लिया तीन चार फिर है ए और सी का कितना है आठ और पाँच ए का कितना है पाँच ए का कितना है पाँच और सी का कितना है, है आठ है जो भी जगह खाली है वहां पे हमें उसके पड़ोसी को बिठाना है यानी कि यहाँ पर कितना आएगा पाँच यहाँ पर कितना आएगा तीन इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे टोटल रेशियो कितना आएगा आठती चौबीस पांचती पंद्रह और पाँचों के ये हमारे पास में रेशियो आया है ए बी सी का क्वेश्चन क्या है देखो बी और सी के शेयर के बीच का अंतर 312 है बी और सी बी और सी के बीच में अंतर कितने का है चार का क्वेश्चन ने कितने का अंतर बोला है 312 का एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है चार सात अट्ठाईस चार आठे बत्तीस है ना एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में 78 क्वेश्चन ने पूछा है एक्स का मान क्या होगा इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी है टोटल नाइन यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है नो आठे बेहतर नौ आठ बेहतर इसका मतलब यूनिट डिजिट पर कितना आएगा आंसर जो आएगा उसकी इकाई के अंक पर उसके यूनिट डिजिट पर कितना देखने को मिलेगा टू एक ही ऑप्शन ऐसा दे रखो रखा है जिसके इकाई के अंक पर हमें दो दे रखा है आंसर कितना आएगा हमारे पास में चार हजार छह सौ दो ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी वन इसने क्या दिया है क्वेश्चन ने इसने बोला है तीन संख्याएं इतने के अनुपात में है और उनके घनों का योग इतना है दूसरी संख्या क्या है ध्यान रखना किसका दे रखा है क्यूब का योग हमें दे रखा है है ना तीन संख्याएं हैं मान लेते हैं ए बी सी है क्या दिया है दो एक्स आएगा यहाँ पे तीन एक्स आएगा हमारे पास में यहाँ पे और पाँच एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास में इधर इसने बोला है इनके घनों का योग दो की क्यूब कितनी आएगी हमारे पास में आठ एक्स क्यूब यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में सत्ताईस एक्स क्यूब और यहाँ से कितनी आएगी एक सौ पच्चीस एक्स क्यूब और टोटल वैल्यू किसके बराबर दे रखी है चौंतीस पाँच सौ साठ चौंतीस पाँच सौ साठ के यहाँ से देखो कितना आता है हमारे पास में कितना बचेगा देखो सात और पांच सात और आठ पंद्रह पंद्रह और पांच बीस है ना दो आएगी कैरी कितने पे जा रहा है दो दो चार दो छ और यहाँ पे आएगा वन वन सिक्सटी एक्स क्यूब वन सिक्सटी एक्स क्यूब किसके बराबर दे रखा है चौतीस पांच सौ साठ के आंसर कितना आता है जीरो से जीरो कैंसिल आठ दूनी सोलह आठ से कितने पे जाएगा आ, कितने जा रहे हैं आठ चौक बत्तीस दो और यहाँ से आठ दिया चौबीस आठ दुनी सोलह दो से देखो दो दुनी चार दो एकम दो से छः पे एक्स क्यूब की वैल्यू आती है दो सौ सोलह इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में छः क्वेश्चन ने पूछा है दूसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या कितनी मानी है हमने Next, है ना क्वेश्चन एक हमारे पास में 6 एक्स की वैल्यू है 6 एक्स की वैल्यू कितनी आएगी अट्ठारह आंसर कितना आएगा हमारे पास में एटीन यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी टू इसमें क्वेश्चन ने क्या दिया है देखो ए और बी की आय इतने के अनुपात में है यदि ए और बी कर्मशह इतने और इतने का खर्च करते हैं उनकी बचत का रेशियो ये है तो बी की बचत क्या है इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया है अभी कुछ देर पहले हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन किया है सिमिलर क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या क्या गिवन है इसके अंदर देखो ए और बी है, है ना ए रेशो बी दे रखा है तीन चीजें हमें गिवन है इनकी आय कितनी है इनका व्यय यानी कि खर्च कितना है और इनकी बचत हमें कितनी दे रखी है तीन चीजें हमें गिवन है सबसे पहले देखो आय है इनकी पांच रेशो आठ इनकी इनकम है पांच रेशो आठ यदि ए और भी इतने इतने का खर्च करते हैं छत्तीस और यहाँ से कितना है चालीस है छत्तीस 6, छह 6, 6 से जाएगा दस पे दो से तीन पे दो से जाएगा पांच पे ये रेशो कितना गिवन है तीन रेशो पांच बचत कितने की दे रखी है तीन रेशो चार बचत का रेशो कितना है बचत का रेशो कितना दे रखा है तीन रेशो चार हमें दे रखा है यहाँ पे मानते हैं एक्स है और यहाँ पे मान लेते हैं क्या है इनके साथ में जो कोफिशेंट है वो वाली वैल्यू है वाई की है ना किसके बराबर आएगा देखो आय में से इनकम में से अगर हम खर्चा घटा दें एक्सपेंडिचर घटा दें तो हमारे पास में बचत आती है सेम इधर बोल सकते हैं क्या सेम यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग कि आय में से वह जाता है तो कितनी बचेगी हमारे पास में बचत आएगी यहाँ पे इक्वेशंस को बराबर करते हैं देखो कितने पे क्या जा रहे हैं यहां अगर हम लोग करा दे किसकी पांच की यहाँ पे करा दे तीन की कितना आएगा पांच पांच पच्चीस एक्स तो आएगा यहाँ से पांचती है पंद्रह वाई आएगा यहाँ से और पांचतीय पंद्रह आएगा यहाँ से आठ तिया चौबीस एक्स और माइनस का कितना आएगा पानती पंद्रह वाई और चार तिया बारह है ना वैल्यू देखो कितनी आती है यहाँ से अगर हम सोल्व करें इक्वेशंस को माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया ये यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में एक्स और यहाँ से कितना आएगा 3. X तीन एक्स की वैल्यू आ गई तीन पूछा क्या है बी की बचत क्या है बी की बचत हमसे पूछ रखी है ठीक है y की वैल्यू और निकालते यहां से देखो कितना आएगा यहां से कितना आएगा पच्चीस पिछच्तर माइनस का पंद्रह वाई बराबर किसके है पंद्रह के है ना पंद्रह इधर आएगा कितना बचेगा हमारे पास में कितना साठ बराबर है पंद्रह वाई के साठ बराबर है किसके पंद्रह वाई के कितने पे जाएगा चार पे हम बोल सकते हैं वाई की वैल्यू कितनी आती है चार है ना पूछा क्या है बी की बचत क्या है बी का केस उठा लेते हैं बी की वैल्यू उसको उठाते हैं देखो बी की इनकम कितनी है आठ एक्स आठ या चौबीस रुपए वो कमाता है और उसमें से खर्च कितना कर रहा है पांच वाई पांचों के बीस रुपए वो खर्च करता है उसकी जो बचत है वो कितनी है चार यूनिट की उसकी जो बचत है वो कितने की है चार यूनिट की चार का पूछा गया था बी की बचत क्या है है ना बी की बचत कितनी आएगी चार से कितने पे तीन से आंसर कितना आएगा हमारे पास में बारह हजार चार यूनिट हमारे पास में आया है आंसर कितना आएगा हमारे पास में बारह हजार ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इसमें देखो क्या दिया है गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात ये है एक परिवार में खपत की मात्रा ये है गेहूं और चावल पर व्यय यानी कि खर्चा कितना है है ना खर्च कैसे निकलता है खर्च कैसे निकलता है हमारे पास में खर्च किसके बराबर आता है देखो मूल्य गुना में खपत मूल्य गुना में खपत है ना कैसे आता है देखो मान लेते हैं कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं मान लेते हैं एक चॉकलेट दस रुपए की है और मेरी खपत है एक दिन की मान लो पांच रुप, पांच चॉकलेट की तो मेरा कितने का खर्चा है एक चॉकलेट दस रुपए की है टोटल पांच खा रही हूं एक दिन में तो टोटल कितना मेरा खर्चा है पचास का टोटल खर्चा कैसे आया है मूल्य कितना था इंटू में खपत कितनी है है ना सेम क्वेश्चन हम लोग यहां पर करेंगे इसने दिया क्या है हमें देखो गेहूं को जी से डिनोट कर लेते हैं और चावल को हम लोग सी से डिनोट कर लेते हैं है ना क्या दिया है मूल्य क्या दे रखा है हमें और खपत क्या दे रखी है ये मूल्य का रेशो आएगा और ये हमारे पास में इसकी खपत कितनी है उसका रेशो आता है मूल्य है इसका तीन रेशो आठ है और खपत कितना दे रखा है चार रेशो नौ है है ना यहाँ से खर्च कितना आएगा हमारे पास में खर्च कितना आएगा चारतीय बारह आठ नि बेहतर इसका रेशो हमसे पूछा है रेशो कितना आएगा बारह छी के बेहतर रेशो कितना आता है हमारे पास में वन रेशियो सिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर इसमें क्या दिया है क्वेश्चन ने एक धनराशि को ए बी सी डी के बीच इस रेशो के अनुपात में वितरित किया गया है यदि सी को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का अंतर कितना है सबसे पहले रेशियो उतारते हैं क्या क्या दिया है ए बी सी डी कितनी कितनी है चार सात ग्यारह तेरह चार सात ग्यारह और तेरह है ना इसने क्या बोला है क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमें सी को बी से इतने रुपए अधिक मिलते हैं सी को बी से सी को बी से कितने रुपए अधिक मिलते हैं चार और क्वेश्चन ने कितना दे रखा है अट्ठाईस सो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में सात सौ एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी सात सौ आएगी क्वेश्चन ने पूछा है तो ए के हिस्से और डी के हिस्से के बीच का अंतर कितने का है ए के और डी के हिस्से के बीच का अंतर हमसे पूछा है इन दोनों के बीच के हिस्से का अंतर हमसे पूछ रखा है मतलब नाइन यूनिट की वैल्यू निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू है सात सौ नौ यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी हमारे पास में यहां से तिरसठ सौ आंसर कितना आएगा हमारे पास में सिक्स थ्री जीरो जीरो तिरसठ सौ ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव इसने दिया है 18,400 की राशि को छह पुरुष तेरह महिलाओं और छह लड़कों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि एक पुरुष एक महिला और एक लड़के के हिस्से में इतना रेशो आए पुरुष दे रखा है हम लोग मान लेते हैं इसको किससे मैन है वुमेन है और फिर बच्चा चाइल्ड जो भी बॉय मान लेते हैं इसको बॉय दे रखा है है ना क्या रेशो गिवन है पांच चार तीन पांच रेशो चार रेशो तीन लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट क्या है क्वेश्चन में चेंजमेंट ये है छह पुरुष हैं तेरह महिलाएं हैं जितने पुरुष हैं उसकी गुना करा दो जिसकी महिलाएं हैं जितनी महिलाएं हैं उसकी यहाँ पर गुना करा दो और लड़के कितने दे रखे हैं छह लड़के इसकी गुना कराएंगे यहाँ पर रेशियो एक्चुअली हमारे पास कितना बनेगा तीस रेशियो तेरह वुमेन थी तेरह आएगा ना तेरह चौक बावन और यहां पर कितना आएगा छिया अठारह। एक बार चेक कर लेते हैं पांच चार तीन कितना दे रखा था छे पुरुष तेरह महिलाएं छह लड़के ठीक है यहाँ से रेशो कितना बचता है हमारे पास में देखो रेशो कितना बनेगा तीन से नहीं जा रहा ना आ, दो से कर लेते हैं और यहाँ पे, पे में? में वैल्यू क्या है पंद्रह रेशो छब्बीस रेशो नो क्वेश्चन ने टोटल अमाउंट कितना दिया है अट्ठारह हमारे अकॉर्डिंग टोटल जो हिस्से होंगे मतलब टोटल कितने रुपया बनते हैं यहाँ से देखो छ पांच ग्यारह ग्यारह और नौ कितना बीस दो यहां पर दो दो चार और एक पांच पचास यूनिट की वैल्यू जो है किसके बराबर दे रखी है अट्ठारह हजार चार सौ के है ना एक जीरो से जीरो कैंसिल पाँच से जाएगा दो पे चार दूनी आठ आठ दूनी सोलह दो एक दो और एक तीन आंसर कितना आएगा मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में तीन क्वेश्चन ने पूछा है प्रत्येक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे प्रत्येक लड़के को मतलब बोए का हमसे पूछ रखा है कितनी यूनिट है नौ यूनिट कितनी यूनिट है हमारे पास में नौ यूनिट कितना आएगा नौ आठे बेहतर यहां से देखते हैं नौ आठे बेहतर और कितना नौचिक चौवन चौवन और यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास में इकसठ नोतिया सत्ताईस और कितना बचेगा हमारे पास में तैतीस बारह तीन हजार तीन सौ बारह रुपये जो हैं वो पूरे के पूरे सब लड़कों में बटेंगे उसने पूछा है प्रत्येक लड़के का मतलब एक लड़के का पूछ रखा है हमारे पास कितने अमाउंट आया है तीन हजार तीन सौ बारह रुपये कितने लड़कों में बट रहे हैं छह लड़कों में है ना ये जो अमाउंट है वो कितने लड़कों का है छह लड़कों का टोटल अमाउंट इतना है छह लड़कों का टोटल हिस्सा हमें दे रखा है एक लड़के का हिस्सा कितना आएगा छः पांच तीस और कितना तीन छे तीस छुनी बारह एक लड़के को कितने रुपए मिलेंगे पांच सौ बावन पांच सौ बावन यानी कि ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स इसने दिया है प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीन लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है यदि एक और लड़का उत्तीर्ण होता और एक उत्तीन लड़की कक्षा छोड़कर चली जाती लड़की तो छोड़कर गई है और लड़का और एक्स्ट्रा मतलब एक और हो जाता तो उनका अनुपात कितना होता दो रेशो तीन उत्तीन छात्रों का प्रारंभिक योग कितना है कुल योग कितना है कितने पास है वो वाली वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है उतार लेते हैं सबसे पहले डाटा क्या दिया है इसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है है ना बॉयज और गर्ल्स का हमें रेशियो दे रखा है ये मान लेते हैं बॉयज और ये कितनी है गर्ल्स है स्टार्टिंग में क्या रेशियो था इनका दो, तीन रेशो दो तीन रेशो दो और बाद में रेशो कितना हो गया दो रेशो एक कब हुआ ये रेशो जब एक लड़का एक्स्ट्रा आ गया और एक लड़की इसमें से चली गई अगर लड़की गई है मतलब अगर कोई जा रहा है तो उस पर माइनस का निशान लगाना है अगर कोई आ रहा है इंक्लूड हो रहा है तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है ध्यान रखना अदरवाइज यहाँ से साइन की वजह से क्वेश्चन गलत हो सकता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे देखो कितना आएगा आ, कितना बचेगा यहाँ से हमारे पास में लड़की गई है ना लड़की कक्षा छोड़कर चली गई ठीक है यहाँ से कितना आता है हमारे पास में वन इसके करारे कितना आएगा एक और माइनस माइनस प्लस का कितना बचेगा दो यहाँ से कितना आता है चार दो दूनी चार का तीन यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है तीन एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली क्वेश्चन ने पूछा है तीन छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना है स्टार्टिंग में जो पास हो रखे थे और आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में जो पास थे उनका कुल योग कितना है मतलब पांच यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है एक यूनिट की वैल्यू तीन है पांच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में पंद्रह पांच यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी पंद्रह यानी कि ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ठीक है बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर एक बार उतार लेते हैं रेशो देखो कितना है रेशो क्या क्या दे रखा है हमें वैल्यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है फिर दे रखा है क्या एक बार लिखना क्या क्या दे रखा था ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर रेशियो फिर क्या है बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर और उसके बाद रेशियो है सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और इन सब की वैल्यूज़ हमें कितनी दे रखी हैं इसने दिया था कितना 34 फोर एंड सिक्सटी वन थर्टी यहाँ पर सिक्सटी वन यहाँ पर और यहाँ पे कितना आएगा 45 वैल्यू पूछी किसकी है इसने ए प्लस और बी प्लस और सी प्लस की वैल्यू हमें निकालनी है जिस फॉर्मेट में हमें वैल्यूज चाहिए यानी कि ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए ये निकालने के लिए क्या कर सकते हैं देखो यहाँ से सारी वैल्यूज को हम लोग जोड़ सकते हैं है ना सबको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से देखो ए स्क्वायर प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए यानी कि दो दो आएंगे सब, सब कुछ ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर दो अगर हम कॉमन ले लें अगर हम लोग दो कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये किसके बराबर आई देखो पांच चार नौ और एक दस है ना छः चार दस तीन तेरह और एक चौदह किसके बराबर आ रही है एक सौ चालीस के इसका मतलब हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आती है सत्तर आप देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में फर्स्ट वाला क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर अगर चौतीस रख दें चौतीस प्लस सी स्क्वायर बराबर है सत्तर है ना सी स्क्वायर किसके बराबर आएगा छत्तीस के सी स्क्वायर यहां से किसके बराबर आएगा छत्तीस के इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आएगी छ की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी छ आएगी इसके बाद देखो सेम एज इट इज यहां पर करेंगे बी स्क्र प्लस सी स्क्वायर इकसठ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह पर इकसठ रखेंगे इक्सठ उधर जाएगा

इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास में पांच तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली A, B, C की क्वेश्चन ने पूछा था ए प्लस बी ए प्लस बी पांच और तीन आठ रेशो बी प्लस सी बी प्लस सी छः पाँच ग्यारह और फिर रेशो किसका है सी प्लस ए का सी प्लस ए छः तीन नो रेशो कितना आता है आठ रेशो ग्यारह रेशो नो आंसर कितना आएगा हमारे पास में एट रेशो इलेवन रेशो नाइन ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी एट इसमें क्वेश्चन ने दिया है ए और बी की आय का अनुपात इतना है उनके व्यय का अनुपात इतना है यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह आ, इतने रुपए की बचत करता है तो बी की आय ज्ञात करें ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम दोनों मेथड से कर सकते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हैं डायरेक्ट रेशियो से भी कर सकते हैं क्या क्या दे रखा है देखो ए और बी आय कितनी है इनकी और ये दे रखा है हमें व्य का रेशियो आय कितनी है इनकम कितनी आएगी तीन रेशो सात है और दूसरी वैल्यू क्या गिवन है इसके अंदर दो रेशो पांच है, है ना क्या दे रखा है उसकी बचत कितनी है पचपन सौ की बचत है यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है तीन से दो जाएंगे माइनस का एक सात से पांच जाएंगे माइनस का दो वैल्यू जो है सेम नहीं है इस वाली वैल्यू को सेम बनाएंगे रेशियो को हम लोग इक्वल करेंगे कैसे इक्वल करेंगे देखो इनके बीच में जितने का गैप है कितने का गैप है तीन का उसकी गुना कराएंगे हम लोग इस साइड जितना गैप है उसकी गुना कराएंगे इस साइड इन दोनों के बीच में कितने का गैप है सात में और उसमें चार का उसकी गुना कराएंगे हम लोग यहाँ पर वैल्यू कितनी बनती है ऐसे करने से देखो यहाँ पे कितना आएगा इसके पैरेलल लिख लेते हैं इधर ताकि पता चले ये आए है है ना ये है ए का और ये आएगा बी का है ना तीन ता नौ आएगा यहाँ से सात या इक्कीस आएगा यहाँ से चार दुनी आठ आएगा यहाँ से पाँच के बीस आएगा हमारे पास में यहाँ से आप देखो वैल्यू है नौ से आठ माइनस वन इक्कीस से बीस माइनस वन एक का ही अंतर आ रहा है दोनों साइड से जो अंतर है सिमिलर वैल्यू आ रही है हमारे पास में इसका मतलब हमने रेशियो को बराबर बिल्कुल ठीक बनाया है इसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है कितने की बचत बच, कितने की है पाँच हजार पाँच सौ की पाँच हजार पाँच सौ की हमारे अकॉर्डिंग कितने की है एक यूनिट की है ना यहाँ से कितना पता चल रहा है एक यूनिट की मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है पचपन है पूछा क्या है क्वेश्चन ने बी की आय ज्ञात करें बी की आय कितनी है बी की ये था ना आय वाला कॉलम पहले था कितना है 21 21 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है 21 यूनिट की वैल्यू देखो कितनी आएगी हमारे पास में इसको पाँच से करा दें इसको लिख सकते हैं हम लोग पचपन को लिख सकते हैं हम लोग पचपन को क्या लिखेंगे ग्यारह गुना पाँच और दो जीरो है ना पाँच से कितना आएगा हमारे पास में एक सौ पाँच इसकी अगर हम ग्यारह से कराएं तो पाँच और पाँच जीरो एक और यहाँ पे कितना आएगा वन वन फाइव फाइव वन वन फाइव फाइव डबल जीरो आंसर कितना आता है हमारे पास में आंसर कितना आएगा वन वन फाइव फाइव डबल जीरो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी नाइन इसने बोला है तीन वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात इतना था ए और बी की आय दे रखी है तीन वर्ष पहले ए रेशो बी है ना तीन वर्ष पहले हम लोग लिखेंगे माइनस तीन आगे क्या दिया है पांच वर्ष बाद इसको लिखेंगे प्लस का पांच क्या क्या रेशो दे रखा है देखो इसने बोला है ए और बी की आय का अनुपात था आठ रेशो नो और अब कितना हो रहा है पांच वर्ष बाद ए और बी की आय का अनुपात कितना है दस है। यदि वर्तमान में सी ए से सी कहाँ से आ गया ए और बी दे रखे ना इतने वर्ष छोटा है तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है एक मिनट रुको इसको देखते हैं इसको बाद में देखेंगे पहले ए और बी की हम लोग वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे फर्क देखो कितने का है दो साल का नौ से ग्यारह कितने का है दो साल का अंतर है और क्वेश्चन ने कितना दे रखा है क्वेश्चन ने देखो माइनस तीन प्लस का पांच माइनस पे है पहले तो जीरो पे आएंगे यानी कि प्रेजेंट एज पे आएंगे तीन साल तो लगेंगे उसमें फिर पांच साल और आगे जाना है मतलब टोटल आठ का अंतर हमें दे रखा है दो की वैल्यू बराबर है आठ के इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी चार आएगी है, है ना यदि वर्तमान में मतलब वर्तमान की हमें निकालनी है आठ चौक बत्तीस आएगा हमारे पास में यहाँ से यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आएंगी इसकी एज कितनी आएगी बत्तीस और यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में नौ चौक छत्तीस है ना ये दोनों की एज है तीन साल पहले की तो ए की और बी की प्रेजेंट एज कितनी होगी इनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी हमारे पास में देखो बत्तीस और तीन पैंतीस साल का तो है ये और बी कितने का है छत्तीस और तीन उनतालीस साल का है हमारे पास में ये पूछा क्या है यदि वर्तमान में सी ए से आठ वर्ष छोटा है सी जो है वो ए से आठ वर्ष छोटा है मतलब कितने साल का है सत्ताईस का मतलब सी जो है वो कितने साल का दे रखा है सत्ताईस साल का है तो बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है बी और सी की वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है तीन से जाएगा तेरह तीन से जाएगा नो पे इनका प्रेजेंट एज का रेशो कितना है तेरह रेशो नो थर्टीन रेशो नाइन ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दिया है इसने बोला है एक आदमी गेहूं खरीदना चाहता है गेहूं के मूल्य में चार सही एक छ सही एक बटे चार परसेंट की कमी के कारण है ना छ सही एक बटे चार को ही पहले खोलना सीखो इसको देखो क्या लिखेंगे छह चौक चौबीस और एक पच्चीस बटे में कितना चार और परसेंटेज के नाम का कितना हंड्रेड इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बटे छ इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं एक बटे छबे सोलह लिख सकते हैं इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ आगे पढ़ते क्वेश्चन ने क्या दिया था वह डेढ़ में आधा गेहूं अधिक खरीद पाता है। गेहूं की मूल और घटी दरों के बीच का ज्ञात करें है ना देखो सबसे पहले क्या दे रखा है क्वेश्चन ने दिया है गेहूं खरीदना चाहता है गेहूं की मूल्य और खपत इस वाले क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में दो चीजें हैं मूल्य और खपत ठीक है और इसमें हम लोग दो रेट मानते हैं यह है ओल्ड वाला और यह है नया वाला है ना ओल्ड वाला और यह है हमारे पास में न्यू वाला क्या क्या रेशियो दिया है उसने बोला है एक बटे सोलह की कमी के कारण है ना एक बटे सोलह की कमी एक बटे सोलह की कमी का मतलब क्या हुआ सोलह पर एक की कमी हो गई मतलब पहले अगर रेट जो है सोलह था तो अब उस पर एक की कमी हो गई मतलब अब रेट कितना हो गया पंद्रह अगर रेट पहले सोलह था तो अब उसमें एक की कमी हो गई अब रेट कितना हो गया पंद्रह हो गया और हमारे पास में एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है क्या मूल्य की जो वैल्यू है वो खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब उल्टा होती है मूल्य अगर ज्यादा है तो खपत कम होगी अगर खपत ज्यादा है तो मूल्य उस चीज़ का खपत ज्यादा है तो मूल्य उस चीज़ का कम होगा दोनों के अंदर इनवर्स रिलेशन है अगर हमारे पास में ये मूल्य का रेशो है तो खपत का रेशो कितना आएगा पंद्रह रेशो सोलह यहां तक का क्वेश्चन समझ आया इसके बाद देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है उसने बोला है अब आधा के जी गेहूं अधिक खरीद पाता है अब आधा के जी गेहूं अधिक खरीद पाता है पहले पंद्रह यूनिट गेहूं खरीदता था अब कितना सोलह यूनिट गेहूं खरीदता है कितने यूनिट एक्स्ट्रा खरीद रहा है एक यूनिट और क्वेश्चन ने कितना बोला है आधा के जी इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी आधी एक यूनिट की वैल्यू आधी मतलब हाफ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी वन बाई टू या फिर बोल सकते हैं हाफ यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में देखो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी सोलह का कराएंगे वन बाय टू कितना बचता है आठ और उधर कितना दे रखा है पंद्रह का हाफ से कराएंगे यहां से एक यूनिट की वैल्यू हाफ है तो पंद्रह यूनिट की कितनी आएगी साढ़े सात यहाँ पे भी वैल्यू आ गई हमारे पास में और नई वाली वैल्यू भी दोनों आ गई इसके बाद क्या करना है हमें देखो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एक बार ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे कितना आया हमारे पास में? और यहां से कितना आया है सात पॉइंट में पांच है ना अब देखो ध्यान से अब क्या करना है क्वेश्चन ने बोला है एक में हमारे अकॉर्डिंग मूल्य कितना आया है आठ यूनिट का इसने कितना बोला है एक का यहाँ से हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी देखो आठ एक आठ और कितना बचेगा आ कितना आठ और पाँच दो सत आठवाठू चौसठ और यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास में आठ दूनी सोलह और आठ पाँजे चालीस है ना आठ दुनी सोलह चार आठ पाँजे चालीस और इधर से कितना आता है उसने मूल्य दिया है वन फिफ्टी का हमारे अकॉर्डिंग मूल्य कितने का आया है सेवन पॉइंट फाइव का सेवन पॉइंट फाइव पॉइंट आएगा ऊपर पंद्रह पाँच पिछेतर पाँच से जाएगा दो पे यहाँ से वैल्यू कितनी आती है बीस आती है क्वेश्चन ने पूछा क्या है दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करें दोनों के बीच का से डिफरेंस पूछ रखा है बीस में से 18.25 पॉइंट दो पांच गए आंसर कितना आएगा हमारे पास में वन पॉइंट टू फाइव आंसर वन पॉइंट सेवन फाइव ना आंसर कितना आएगा हमारे पास में वन पॉइंट सेवन फाइव पर केजी ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टी वन इसने बोला है इतने की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उनके हिस्सों में से इतने 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 की कम करने पर उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है है ना सी का मूल हिस्सा कितना है हमें रेशो दे रखा है हमें रेशो गिवन है कितने का है एबीसी का रेशो दे रखा है चार दो और पाँच का चार दो और पाँच का है ना कितने कम किए हैं चार सौ यहाँ पर तीन सौ यहाँ पर कम किए हैं सात सौ और नौ सौ साठ रुपये कम किए हैं टोटल अमाउंट में से टोटल अमाउंट में से कितना नौ सौ साठ रुपये कम किए हैं इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हुआ छियासठ सौ रुपये का हमें ये रेशो दे रखा है इसका मतलब ये हुआ छियासठ सौ रुपये जो है उसका रेशो दे रखा है कि छियासठ सौ रुपये को ए बी सी में इस रेशो के अंदर बांट रखा है वैल्यू देखो कितनी आती है हमारे पास में यहाँ से टोटल चार दो छः पाँच ग्यारह हमारे अकॉर्डिंग टोटल यूनिट है ग्यारह और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आएंगी छियासठ सो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी छः सौ एक यूनिट की वैल्यू कितनी, कितनी है छः सौ है इसने बोला है सी का मूल हिस्सा कितना है सी का मूल हिस्सा कितना है पहले देखो सी का हिस्सा कितना आएगा सी का हिस्सा कितना आएगा पाँच यूनिट की वैल्यू कितनी आएंगी हमारे पास में तीन सी का घटा हुआ मूल्य कितना है तीन लेकिन घटी हुई वैल्यू नहीं उसने एक्चुअल वैल्यू पूछी है उसका मूल हिस्सा कितना ना है है ना सी को कितने रुपए कम दिए थे 260 रुपए कम दिए थे ना स्टार्टिंग में वो रुपए इसको वापस दे देंगे इसको इसके हिस्से के 260 रुपए वापस देंगे आंसर सॉरी <coughs> <coughs> आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3260 <coughs> जो सी है उसका मूल हिस्सा कितना आएगा 3260 ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 इसने दिया है <coughs> एक्स प्लस वाई माइनस का जेड रेशियो दिस रेशो दिस का अनुपात हमें दे रखा है और इसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है है ना इसके अंदर हम क्वेश्चन को बाय मेथड नहीं करेंगे बहुत लंबा आएगा ऐसे पॉसिबल भी नहीं है देखो इसको हम ना थोड़ा सोच के करते हैं कि कैसी वैल्यू हम पुट करें कि दो तीन इसका रेशियो हमारे पास में आए दो तीन एक का इसने दिया है एक्स प्लस वाई माइनस का जेड है ना अगर हम लोग एक्स की जगह पर एक रखें वाई की जगह पर एक रखें और जेड की जगह पर जीरो पुट करें तो देखो यहाँ पे दो आ जाएगा ठीक है आगे देखो क्या है वाई को मानना है एक ठीक है जेड है दो जेड है हमारे पास में जीरो और डब्ल्यू को भी अगर हम एक मान ले तो कितना आएगा दो एक हम दो और एक तीन यहां पे भी तीन रेशो आ जाएगा यहां पे देखो एक्स को माना है एक जेड है जीरो और ये भी कितना है हमारे पास में एक दो एकम दो माइनस का एक कितना बचेगा एक बचेगा इसका मतलब ये जो वैल्यूज हमने पुट की हैं बिल्कुल ठीक है ये वैल्यूज जो हमने पुट की हैं क्या पुट किया है एक्स की वैल्यू कितनी है वन वाई की कितनी है वन है जेड की कितनी है जीरो है और डब्ल्यू की कितनी है वन है ये वाले जो हमने वैल्यूज पुट की हैं ये बिल्कुल ठीक है यहां से देखो कितना आता है अनुपात निकालना है रेशो निकाल लेते हैं यहां से देखो पाँच डब्लू का मतलब डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है एक तो पाँच आएगा यहां से माइनस का तीन एक्स एक्स की वैल्यू कितनी है तीन और माइनस का जेड यानी कि जीरो इसका रेशियो किसके साथ निकालना है इसका रेशियो हमें किसके साथ में निकालना है तीन डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है एक मतलब तीन पांच में से तीन गया दो और यहां पर कितना रेशियो तीन आंसर कितना आता है हमारे पास में टू रेशो थ्री आंसर कितना आएगा टू रेशियो थ्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर क्या है हमारे पास में ऑप्शन नंबर बी किस क्वेश्चन नंबर फिफ्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन इसने बोला है एक एक ट्रेन में और स्लिपर क्लास में सेकंड सेकंड एसी एसी और स्लीपर क्लास लिख लेते हैं देखो एक है हमारे पास में सेकंड एसी का कॉलम और दूसरा क्या दिया है स्लीपर क्लास का है ना स्लीपर क्लास का ठीक है इसको सीधा ही लिख लेते हैं ना एसी और स्लीपर ये दे रखा है एसी वाला और ये दे रखा है हमें स्लीपर का क्या रेशो दिया है इसमें यात्रियों का अनुपात इतना है यात्री कितने दे रखे हैं तीन रेशो पांच में है यात्री उसके अलावा क्या दिया है रेशो सेकेंड ए एसी और स्लीपर क्लास में किराए का अनुपात ये है किराया यहाँ पर है तीस रेशो सत्रह आगे देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है यदि सभी यात्रियों से कुल राशि एकत्रित की जाती है तो इतने रुपए हैं अमाउंट दे रखा है तो स्लीपर क्लास से कितनी राशि वसूल की जाती है अमाउंट कैसे निकलता है टोटल खर्चा कैसे निकलेगा मान लेते हैं बस में पाँच यात्री हैं एक यात्री के पचास रुपये किराया है तो कितना होगा एक यात्री का पाँच मान लेते हैं और पाँच एक व्यक्ति का जो है दस रुपये किराया है और टोटल पाँच व्यक्ति बैठे हैं तो टोटल किराया कितना होगा पचास होगा कैसे यात्रियों का जो नंबर है नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो आएंगे यात्रियों की संख्या की गुना करानी है एक व्यक्ति का खर्चा कितना है है ना एक व्यक्ति का किराया कितना है सेम यहां पर करेंगे ये हमें दे रखे हैं यात्री ये हमें गिवन है इसके इसके अंदर यात्री और ये क्या दे रखा है इनका खर्चा है ना या ये क्या दे रखा है इनका एक रुप एक की जो टिकट है उसका जो किराया है वो कितना दे रखा है इतने के रेशो में टोटल खर्चा कितना आता है यहाँ से नब्बे यहाँ पर पिचासी आएगा हमारे पास में यहाँ से टोटल कितना आता है देखो पाँच यहाँ पर एक और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है टोटल एट सेवन से अच्छा जीरो देने रखिए सॉरी यहाँ पे देखो क्या कर सकते हैं हम लोग जीरो आएगी ना ठीक है इसके अलावा देखो काटे यहाँ से पच्चीस से कर ले सीधा पच्चीस दिया पिचहत्तर और फिर कितना बचेगा सेवेंटी फाइव एटी फाइव कितना एक सौ बारह पच्चीस पाँचे एक सौ पच्चीस ये कितने पे जा रहा है हमारे पास में पच्चीस uh, सातें पच्चीस छिके डेढ़ सौ सात से सात पे कितने पे जाएगा पाँच पे यहां से कितना आएगा हमारे पास में एक यूनिट की वैल्यू कितनी आती है पचास क्वेश्चन ने पूछा क्या था तो स्लीपर क्लास से कितनी राशि वसूल की जाती है स्लीपर क्लास से स्लीपर क्लास से यानी कि पिचासी यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी है कितना आएगा पापा पच्चीस